छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं, मुझे देखकर बहुत हर्ष है और मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम और जो विद्वान आज यहाँ उपस्थित हैं इनका व्याख्यान सुनने के उपरांत निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश आप अपने साथ लेकर के जाएंगे। चैतन्य महाविद्यालय निरंतर हमारा लक्ष्य होता है कि हम अपने परिसर में ऐसे शैक्षणिक कार्यक्रमों का आयोजन करें जिससे कि छात्रों के सर्वांगीण विकास हो और एक उत्कृष्ट छात्र के रूप में वो तैयार हों, समाज सेवा के कार्य करें और एक अच्छे नागरिक बने, तो शायद यही शिक्षा का उद्देश्य है। चैतन्य महाविद्यालय विगत 21 वर्षों से इस ग्रामीण अंचल में उस शिक्षा के बड़ी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। कला, विज्ञान, वाणिज्य, कंप्यूटर, मास्टर ऑफ सोशल वेलफेयर इत्यादि जैसे आधुनिक विषयों में मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन है और विशेष रूप से हमारा प्रयास होता है कि हम एक इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी छात्र के महाविद्यालय में विकसित करें। हम ये भी प्रयास करते हैं, छात्रों को प्रोत्साहित करते हैं कि वो शैक्षणिक गतिविधियों में, सांस्कृतिक और समाज सेवा के कार्यों में बढ़ चढ़ करके भाग लें। कौशल विकास के अनेक कार्यक्रम हमारे महाविद्यालय में चलाए जा रहे हैं और जिस कौशल विकास के माध्यम से वो आत्मनिर्भरता या एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का भी कार्य हम करना चाहते हैं। हाल ही में महाविद्यालय में अधोसंरचना का तेजी से विकास हुआ है, एक हर्बल उद्यान भी विकसित किया गया है जिसमें लगभग 200 प्रजाति के औषधि पादप की प्रजातियां यहाँ पर संरक्षित हैं और इन पादपों से कुछ औषधियां बनाने का योजना हमारा है, तो ये बहुत ही अच्छा। तो जो यहाँ पर विज्ञान के छात्र नहीं भी हैं वो भी हर्बल उद्यान में जा करके अगर आप परिसर का भ्रमण करेंगे तो बहुत सारे प्लांट्स जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं इनके बारे में आप जान सकेंगे। बहुत सारे जीव जंतुओं यहाँ पर फ्लोरा फौना जो भी अवेलेबल है कैंपस में इसका भी हम डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। तो इस तरह से हमें जो जिस इकोसिस्टम में हम पढ़ते हैं कार्य करते हैं उसको हमें पूरी तरह से जानना है क्योंकि एक ये बड़े से तंत्र का एक छोटा सा हिस्सा है। तो कैसे और हमारी जो प्राथमिकताएं हैं जैसे एनवायरमेंटल कंजर्वेशन पर्यावरण संरक्षण, समाज सेवा के कार्यों के लिए बच्चों को प्रेरित करना और उनकी अभिरुचि के अनुसार उनको विभिन्न कार्यों के लिए प्रोत्साहित करना, इस तरह के कार्य कुछ महाविद्यालय के द्वारा किए जा रहे हैं और हमें ये बताते हुए गर्व है कि इस महाविद्यालय के छात्र प्रावीण्य सूची में अग्रणी स्थान प्राप्त करते हैं। सांस्कृतिक क्रियाकलापों के साथ साथ खेलकूद, एथलेटिक्स और बहुत सारे समाजसेवी योजनाओं की दूसरे शासन की योजनाएं हैं उनके सहयोग से हम काम करते हैं ताकि हम नए विकास के कार्यों में अपना योगदान दे सकें। सम्माननीय अतिथि जन सभागार में पधार रहे हैं। सर नमस्कार। महाविद्यालय नमस्कार सर। सर भारत से बोल रहे हैं सर। बहुत हमारे सबके लिए बहुत हर्ष और गौरव का अवसर है, अत्यंत सम्माननीय अतिथि जन आज हमारे परिसर में पधारे हैं। चैतन्य महाविद्यालय परिवार उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं।
कुछ ही क्षणों में हमारे सम्मान्य अतिथि हमारे बीच में उपस्थित होंगे। जैसा अभी डॉक्टर गरिमा तिवारी मैडम ने बताया कि हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय एक अत्यंत विद्वान व्यक्तित्व, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न गतिविधियों में अत्यंत सक्रिय हैं और साथ ही साथ साहित्य में आपकी गहरी रुचि है। रूम नंबर 43 हिस्ट्री डिपार्टमेंट में एग्जाम दिए और साथ साथ आज डॉक्टर दीवान सर, कृपया अपना माइक अभिषेक जी आप संचालन प्रारंभ कर सकते हैं। अभिषेक जी जी सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी अभी हमारे अतिथियों के द्वारा माता सरस्वती जी का पूजन होगा और यहाँ पे लाइव आपको देखने को मिलेगा क्योंकि सरस्वती माता जी की जो प्रतिमा है वो हमारे आंगन पे है और हम सभी यहाँ पर उनको देखेंगे। ठीक है, बाहर किसी को नहीं जाना है, यहीं से देखेंगे और हम आज सभी हमारे महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य स्वर्गीय डॉक्टर शरद वाजपेयी जी के पुण्य स्मरण में, पुण्य स्मृति में हम यहाँ सब उपस्थित हुए हैं और बस कुछ देर पश्चात हम आज की जो व्याख्यान माला है उनका आरंभ करेंगे। ठीक है, आप शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे, सभी छात्र छात्राओं से निवेदन है। सर आप कुछ बोलना चाहें तो आप कुछ बोलना चाहें तो छात्रों के लिए निर्देश दिशा निर्देश कुछ। धन्यवाद, मुझे बहुत हर्ष है कि इस अवसर पर बहुत बड़ी संख्या में हमारे छात्र छात्राएं और डॉक्टर वाजपेयी से जुड़े शोध छात्र और विभिन्न महाविद्यालयों के सम्मानीय प्राध्यापक गण जो उनके बहुत निकट रहे, सहयोगी रहे और बहुत निकटता से उनका व्यक्तिगत संबंध भी रहा, जुड़े रहे, उन सभी को पा करके हम बहुत हर्षित हैं और सम्मानीय अतिथिजन कुछ ही देर में पूजन के पश्चात हमारे बीच में उपस्थित होंगे। मैं ये बताना चाहता हूं कि चैतन्य महाविद्यालय उच्च शिक्षा की चुनौतियां के अनुरूप शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष रूप से एक नवीन परिवेश शैक्षणिक परिसर में विकसित करना चाहता है ताकि जो मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन नई शिक्षा नीति के अनुसार दी जानी है तो विभिन्न पाठ्यक्रमों में हम बच्चों को प्रभावशाली ढंग से शिक्षा प्रदान कर सकें, ये हमारा प्रमुख लक्ष्य है। हमारे परिसर में जो प्रयोगशालाएं हैं उसमें आधुनिक उपकरण उपलब्ध हैं जो स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को सपोर्ट करते हैं और निरंतर हम बच्चे की मेंटरिंग करते हैं ताकि हम उसको भविष्य के बारे में और उस छात्र के जो भी लक्ष्य हैं उनको लक्ष्यों को प्रेरित करने के लिए विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से हम उनकी जिज्ञासा को जागृत करते हैं ताकि वो अभीष्ट लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें और जो भी जीवन में वो पाना चाहते हैं वहां तक वो पहुंच सकें।
तो सब कुछ आपका फोकस है, आपका लगन है। मुझे हर्ष है कि इस अवसर पर रसायन विभाग सीएम दुबे महाविद्यालय के विभागाध्यक्ष डॉक्टर हर्षा शर्मा और भूतपूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर श्रीमती विभाग गोयल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। डॉक्टर मनीष, मैं उनको नमस्कार करता हूं, सादर प्रणाम करता हूं। मनीष तिवारी जी सर, सर सर मुख्य अतिथियों का माता सरस्वती जी के पूजन के स्थल पर आगमन हो रहा है और लाइव आप यहां पे देखने को मिलेगा। हाँ, आप इसके बारे में प्रेक्षागृह में सभी को बता सकते हैं जी। सर उसको बड़े बड़े कर दीजिए, बड़ा कर दीजिए। माननीय श्री ललित प्रकाश जी पटेरिया, माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर एडीएन वाजपेयी जी, डॉक्टर गरिमा तिवारी मैडम, शासी निकाय के अध्यक्ष माननीय श्री वीरेन तिवारी जी, गरिमा मैडम, डॉक्टर बीना पानी दुबे मैडम, प्राध्यापक गण, माननीय श्री जोगलेकर जी, श्री श्रीमती जोगलेकर, डॉक्टर श्रीमती किरण वाजपेयी मैडम, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सम्मानीय अतिथिजनों के द्वारा महाविद्यालय परिसर में सरस्वती पूजन किया जा रहा है। अतिथियों के द्वारा माल्यार्पण एवं पूजा अर्चना। ज्ञान की देवी देवी सरस्वती हमारे विचारों के पीछे निरंतर ज्ञान हरा जो प्रभावित है सरस्वती, क्योंकि ज्ञान ही हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है। मनुष्य का अंतिम उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं, नॉलेज इज आवर डेस्टिनी। Our all efforts are directed to attain knowledge. शायद इसीलिए भारतीय संस्कृत में प्रावधान है कि हम अपने सारे शुभ कार्य सरस्वती की अर्चना से प्रारंभ करते हैं। प्रोफेसर कल्लोल घोष, जिनका के आज मुख्य अभिभाषण आपको सुनने को मिलेगा, और ये जो प्रथम स्मृति व्याख्यान है, डॉक्टर कल्लोल घोष रविशंकर विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ केमिकल साइंसेस के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष हैं, अत्यंत विद्वान और राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक हैं। रसायन शास्त्र के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण आविष्कार आपने किए हैं, अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसेस आपने ऑर्गेनाइज करी हैं और छत्तीसगढ़ के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मार्गदर्शन उन्होंने रसायन विज्ञान के क्षेत्र में यहाँ पर दे रहे हैं छात्रों को। अनेक छात्र आपके मार्गदर्शन में पीएचडी कर रहे हैं, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण संबोधन होगा और इस संबोधन के उपरांत में आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से कुछ कैरी होम मैसेज आप दे जा सकेंगे। इस तरह के कार्यक्रम का उद्देश्य यही है ताकि हम वो मार्ग आपको बता सकें जो उत्कृष्टता की ओर ले जाता है। ये जीवन भर की साधना है। बहुत सारे लोग इनके पास कार्य का एक
विस्तृत अनुभव है, उनसे हम प्रेरणा ले सकें। इसी उद्देश्य से आज का ये स्मृति व्याख्यान आयोजित है। अतिथि जन परिसर का भ्रमण करते हुए और बस सभागार की ओर उपस्थित हो रहे हैं, उनका आगमन कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में होगा और आज का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। वाजपेयी जी के अभिन्न मित्र डॉक्टर विकास डोंगावकर जी को मैं देख पा रहा हूँ। और अनेक उनके छात्र छात्राएं मित्र और शुभचिंतक माध्यम से भी जुड़े हैं। मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। महाविद्यालय प्रांगण में चेस एक आकर्षक स्थल है जो सहज ही अतिथियों को आकर्षित कर लेता है और यहाँ पर अनेक बड़े मनोरंजक खेल है छात्रों के द्वारा खेले जाते हैं। महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर शरद वाजपेयी एक समर्पित प्राध्यापक, शोधकर्ता और एक बहुत ही अच्छे माननीय व्यक्तित्व है। जो भी उनके संपर्क में आता है वो हमेशा उनकी स्मृति में रहेगा। हेलो, एम आई ऑडिबल? Am I audible? Yes. Thank you, Dr. Gupta, for your kind words. एक लंबा अनुभव मुझे उनके साथ कार्य करने का है। हमारे हमारे अतिथि पधार चुके हैं और वो कॉलेज प्रांगण में सरस्वती जी की प्रतिमा पर पूजा अर्चना करने के उपरांत इस सभा कक्ष में प्रवेश करने वाले हैं। बहुत स्वागत है मैडम, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू। काइंडली कंटिन्यू। थैंक यू डॉक्टर गुप्ता फॉर जॉइनिंग। थैंक यू सर। डॉक्टर दुबे, यू काइंडली कंटिन्यू। अत्यंत सम्मानीय डॉक्टर एडीएन वाजपेयी, माननीय कुलपति अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर, हमारे संरक्षक माननीय प्रोफेसर ललित प्रकाश जी पटेरिया, माननीय कुलपति शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़। हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में आदरणीय
डॉक्टर किरण वाजपेयी जी मैडम उपस्थित हैं, सम्मान्य प्रोफेसर कल्लोल घोष सादर प्रणाम करता हूँ। आज का स्मृति व्याख्यान आपके द्वारा दिया जाएगा। हमारे बीच श्री जोगलेकर जी उपस्थित हैं और हम सबके प्रेरणा स्रोत माननीय श्री वीरेंद्र तिवारी जी अध्यक्ष साक्षी ने कहा चैतन्य शिक्षण समिति। मैं डॉक्टर गरिमा तिवारी मैडम, अब मैं डॉक्टर बीना पानी दुबे जी से निवेदन करता हूँ, कृपया कार्यक्रम का संचालन करें। थैंक यू डॉक्टर गुप्ता। अब मैं मंचस्थ अतिथिगणों से परिचय तो डॉक्टर गुप्ता ने करा ही दिया है, मैं अनुरोध करती हूँ कि सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और साथ में ही जिनकी स्मृति में हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, प्रोफेसर शरद वाजपेयी भूतपूर्व प्राचार्य चैतन्य महाविद्यालय पामगढ़, उनकी भी जो छाया चित्र है उस पर भी माला और पुष्पांजलि देकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। डॉक्टर अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी, वाइस चांसलर अटल बिहारी विश्वविद्यालय, इसी समय निशु से अनुरोध करूंगी कि वे सरस्वती वंदना का गायन करें। या कुंती दुतुषार हार धवारा, या शुभ्रवस्थालिका, या वीणावर गंधमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृति देवै सदा वंदिता, सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेष जागता। शुक्ला ब्रह्म विचार सार परामा, आज्ञां जगद्व्यापी वीणा पुस्तक धारिणी महयगा, जाड्यांधकारा हस्ते स्फाटिक मालिका विदधाति, पद्मासने संस्थिता वंदे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदां शारदा, बुद्धि प्रदां शारदा, बुद्धि प्रदां शारदा। सरस्वती माता धन्यवाद। कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब मैं अतिथियों के स्वागत के लिए भावों और संवेदनाओं की कमी नहीं है। शरद भाई के चित्र पर जो श्रद्धांजलि दी जा रही है, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने 40-40 वर्षों तक उनके साथ काम किया है, उनके स्कॉलर्स भी हैं जिन्होंने उनके साथ काम किया है, और मेरे ख्याल में ये सबसे अच्छा एक मौका है उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने का।
इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब मैं हमारे गेस्ट के स्वागत के लिए, हमारे मुख्य अभ्यागतों के स्वागत के लिए सैपलिंग्स माने नन्ना पौधा हम लोग देना चाहते हैं। इसके पीछे मंतव्य ये है कि हम कंजर्वेशन से जुड़े हैं तो हम क्यों ना एक एक पौधा देके उसको बढ़ाएं और संरक्षण की ओर अपना दायित्व निभाएं। सर्वप्रथम मैं आज के चीफ गेस्ट आचार्य श्री अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी जी वीसी अटल बिहारी विश्वविद्यालय बिलासपुर के स्वागत हेतु इस कॉलेज के संचालक प्रथम नागरिक चैतन्य महाविद्यालय परिवार के प्रथम नागरिक श्री वीरेन तिवारी जी को आमंत्रित करती हूँ। सादर प्रणाम। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर ललित प्रकाश पटेरिया जी वीसी शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ के स्वागत हेतु मैं डॉक्टर गरिमा तिवारी को आमंत्रित करती हूं। बहुत स्वागत है सर, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के इस प्रथम मेमोरियल लेक्चर जो कि शरद वाजपेयी जी की याद में आयोजित किया गया है, उस फर्स्ट कमेमोरेशन लेक्चर के प्रमुख वक्ता श्री डॉक्टर कलोल घोष प्रोफेसर केमिस्ट्री रविशंकर यूनिवर्सिटी रायपुर के स्वागत के लिए मैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से श्री ऋषभ पांडे जी को बुला रही हूँ। इस कार्यक्रम की स्पेशल गेस्ट या विशिष्ट अतिथि के रूप में, लेकिन वो विशिष्ट अतिथि ऐसी हैं जो जिनके स्मरण में हम इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, उनसे अगर कोई बहुत ही निकटतम रूप से जुड़ा हुआ था या जो क्लोजेस्ट संबंध जिनके थे वो हमारी आज की स्पेशल गेस्ट हैं प्रोफेसर डॉक्टर किरण वाजपेयी, उनके स्वागत के लिए मैं स्वयं उपस्थित हूँ और बहुत अंदर से गदगद हूँ कि मैं उनका स्वागत इस मौके पर कर पा रही हूँ। हार्दिक स्वागत, अभिनंदन मैडम, स्वागत। हमारे समक्ष वरिष्ठ प्राध्यापक प्रोफेसर होता जी, मैंने अटल बिहारी, मैं अगर ध्रष्टता कर रही हूँ तो मुझे माफ करेंगे, अटल बिहारी विश्वविद्यालय का कोई भी काम अगर होना होता है तो वो होता ही सर के कारण होता है, इसलिए मैं डॉक्टर होता साहब का अभिनंदन करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए फिर से मैडम विनीता जो कि केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की हैं, आप आ जाएं, आपका स्वागत करें। बिलासपुर में जब किसी कद्दावर ओरेटर का नाम आता है तो शायद जोगलेकर नाम आता है, और इस उसमें मैं आदरणीय श्रद्धेय विवेक जोगलेकर साहब के अभिनंदन के लिए फिर यादव जी जो है हमारे कॉलेज के बहुत बड़े एक ही कोऑर्डिनेट्स द थिंग्स वेरी वेल, ईच एंड एवरीथिंग ही कोऑर्डिनेट्स।
नमस्कार। मेरे ख्याल में स्वागत की कुछ बोले क्या सर? स्वागत की इस परंपरा को कंटिन्यू करते हुए और उसके बाद मैं थोड़ा सा इस थीम से आपका परिचय करा दूं और इसकी जेनेसिस कहां से हुई। जो आज का कार्यक्रम है प्रोफेसर शरद वाजपेयी मेमोरियल लेक्चर, इसकी जेनेसिस कहां से हुई ये चूंकि सबको नहीं मालूम होगी तो मैं ये जरूर बताना चाहूंगी। प्रोफेसर शरद वाजपेयी एक ऐसा व्यक्तित्व थे जिन्होंने एज ए टीचर, जैसे टीचर फैसिलिटेट भी करता है, टीचर पढ़ाता भी है, टीचर कई रूपों में सहायता करता है, लेकिन वो ऐसे थे जो मोटिवेट करते थे, इंस्पायर करते थे अपने स्टूडेंट्स को और इसलिए उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। प्रोफेसर वाजपेयी के साथ मैंने भी करीब 40 वर्षों तक काम किया और यहाँ पे डॉक्टर विभा गोयल बैठी हुई हैं, उन्होंने भी सीएमडी कॉलेज में 40 वर्ष उनके साथ किया। तो हम लोग उनको फिजिकल केमिस्ट्री का मास्टर समझते थे, फिजिकल केमिस्ट्री की के ऊपर मास्टरी थी उनकी शरद वाजपेयी की। और बहुत सारे ऐसे आयोजन थे जो उन्होंने करवाए जिसमें से 2003 की WRIC की, मैडम किरण जानती हैं, WRIC की जो वर्कशॉप थी जो UGC और WRIC मुंबई ने मिलकर कराई थी ऑप्टो एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स के मेंटेनेंस के लिए, वो भी हम लोगों ने अटेंड करी है। इट वॉज ए रियल फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस टू गेन समथिंग अबाउट द ऑप्टो एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स। और हमने उस समय देखा कि उस समय के कॉलेजों के अपने अपने लैब के लोग इंस्ट्रूमेंट्स उठा उठा के लाते थे, कितने माइक्रोस्कोप तो मैंने सुधारे अपने डिपार्टमेंट के खुद के, और जब सुधार जाते थे तो मैं उसमें टेस्टेड होके ऐसे लगा के और बकायदा उसको उसके कवर में ढक के करती थी कि भाई जो नहीं जानता वो कवर नहीं ढकोगे तो फिर जैसे तस हो जाएंगे। तो इस तरह की जो बहुत बारीक चीजें होती हैं सब्जेक्ट की, उसमें वो बिल्कुल रची बसी थी शरद भाई के अंदर। और मैं इसलिए जब हम लोगों ने सोचा कि उतनी नौकरी करने के बाद, स्वास्थ्य उनका खराब रहने के बाद, और जो उनका जीवट था उस जीवट को वैसा ही बनाए रखने के लिए उन्होंने जो पामगढ़ कॉलेज ज्वाइन कराया, ये वाला चैतन्य महाविद्यालय पामगढ़ एज ए प्रिंसिपल ज्वाइन किया, और तब उन्होंने केमिस्ट्री लैब की जो परिकल्पना थी, लैब कैसी होनी चाहिए, कब PG का एफिलिएशन मिलना चाहिए, कैसा, ये सब उन्होंने कराया। और वो मुझे भी कहा करते थे, एक डॉक्टर गुप्ता उनको कहा करते थे कि गुप्ता जी आप आ जाइए तो जूलॉजी की बढ़िया बनवा लेंगे, मतलब जूलॉजी की लैब का ओरिएंटेशन अच्छा हो जाएगा, आपके सजेशन चाहिए। बीच में ले भी आते थे, एक दो बार मैं भी आई हूँ। और मेरे से मुझे याद आती है वो चीज कि मैं, मैंने, मुझे माफ करेंगे, मैंने मेरी कभी जवान पलटी नहीं है डॉक्टर वाजपेयी कहते हुए, मैं उनको जीवन भर शरद भाई बोली हूँ। कॉलेज में भी जब वो साथ थे, अंटिल एंड अनलेस इट इज वेरी मच नीडेड कि प्रोटोकॉल में मुझे सर या वाजपेयी जी बोलना है, तब मैं बोला, नहीं तो मेरे मुझसे शरद भाई ही निकलता था। तो शरद भाई को वो मेरे से बोलते थे, ये लास्ट समय की बात है सर, वो चले गए, उसके कुछ दिन पहले उनने बोला था मुझसे कि बिना पढ़ी तुम रिटायर हो जाओ तो तुम्हें ले आएंगे रिटायर होने के बाद यहाँ, तो तुम फिर बॉटनी लैब को बढ़िया जमवा देना। अभी रिसेंटली जब मैं इस कॉलेज में आती हूँ तो कई लोग मेरे से पूछते हैं, तो मैंने आज तक किसी को डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन ये मेरे अंतरतम की बात है कि मैं शरद भाई की वो बात को रखने के लिए उनके जाने के बाद भी इस कॉलेज में आई हूँ, और इस कॉलेज में जो भी मेरे से बनेगा मैं करते रहूंगी। अब आज की थोड़ा सा मैं इमोशनल हो जाती हूँ सर, माफ करेंगे मुझे, क्योंकि बहुत जुड़ी रही हूँ और ये कार्यक्रम भी ऐसा है कि ये बहुत भावपूर्ण तरीके से, बहुत सेंसिटिव रूप में उन अंदर की संवेदनाओं को जो उसी लेवल पे ग्रहण कर पाता हो, सेम रेपो पे हो, उसके लिए आयोजित है। और इसलिए सब हमारे महाविद्यालय के परिवार उनसे जुड़े हुए हैं, जब इसकी भूमिका बनी तो सब लोग सहर्ष हाँ कर दिए। तो मेरा ये सजेशन था कि ये अभी उनकी वार्षिक श्राद्ध हो गई है, उसके बाद जो ये बर्थडे पड़ेगा, जो 8 अक्टूबर को शरद भाई का बर्थडे पड़ेगा, उसी दिन ये कार्यक्रम होगा। और ये मतलब कई बार ऐसा हो रहा था कि भाई छुट्टी है, लोग नहीं मिलेंगे या कुछ होगा, हमने कहा नहीं, 7 से
आठ से ना सात होगा ना नौ होगा, क्योंकि ये इसी दिन कार्यक्रम होगा और इसकी रूपरेखा जब बनी और हमारे संचालक महोदय श्री तिवारी जी ऐसे कामों के लिए सहर्ष तैयार हो जाते हैं, तुरंत तैयार हो गए कि मैडम अपन करवाएंगे। गुप्ता जी की भी इसमें अहम भूमिका थी। गुप्ता जी, हम लोग ने एक छोटी सी जगह बैठ के, गणेश चतुर्थी का दिन था उस दिन ये बात उठी थी और उसके बाद इसको अमली जामा पहना दिया गया और आज हम उनको याद कर पा रहे हैं। तो ये एक प्रकार से एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम है, लेकिन एक एकेडमिशियन के लिए जो शरद भाई थे उसके लिए उसको याद कैसा किया जाएगा। पर हम लोग तो, मैं अपनी बात करूं, हम लोग जीवन की सांध बेला में हैं, आज है कल ना रहे, लेकिन ये परंपरा चलती रहनी चाहिए। इट इज ए सीरीज काइंड ऑफ थिंग, मतलब मेमोरियल लेक्चर आज पहला हो रहा है, इनॉग्रल हो रहा है आज, लेकिन ये हर प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को ये कार्यक्रम चलना ही पड़ेगा यहाँ पर। इसको लिए मैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, डॉक्टर विनीता हैं, ऋषभ जी हैं और भी नए लोग हैं, और इस डिपार्टमेंट, इस कॉलेज की सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे कोई से भी डिपार्टमेंट का कार्यक्रम हो, सब लोग एकजुट हो जाते हैं, सब लोग एकजुट होके करते हैं उसको। तो आप सब लोग, खुदा ना करे कि मैं मर जाऊं, मुझे तो ऐसा लगता है मैं बहुत दिन जीऊंगी, लेकिन यदि मैं मर गई तो मैं वहां से भी देखूंगी कि शरद वाजपेयी वाला कार्यक्रम 8 तारीख को चल रहा है कि नहीं है? चलिए चलिए चलिए, ये आपका, ये आपका बड़प्पन है और आशीर्वाद है कि आप मेरे लिए सोचते हैं। तो ये बात है। अब शरद भाई किस टाइप के टीचर थे, मतलब, और आज का आयोजन को मैं बहुत ज्यादा नहीं करते हुए मैं ये बताती हूँ। एक उदाहरण है, बहुत वायरल हो रहा है आजकल, शायद सबने पढ़ा होगा, कि रतन टाटा से जब पूछा गया कि आपको खुशी कब मिलती है, तो उन्होंने बोला कि चार चरणों में मेरी खुशी है। किसी रेडियो प्रवक्ता को वो इंटरव्यू दे रहे थे, तो उन्होंने पहले बोला कि धन साधन इकट्ठा करना, दूसरा था कि और वस्तुएं इकट्ठे करना, तीसरा उन्होंने बोला कि जब वो इंडिया और अफ्रीका में 95% पेट्रोल की सप्लाई उनके हाथ में थी, वो बड़ी बड़ी इस्पात कंपनियों के मालिक थे, एनीवे, लेकिन उन्होंने बोला कि मुझे खुशी तब मिली जब उनके एक दोस्त ने बोला कि आप एक विकलांग बच्चों के कार्यक्रम में चलिए और आपको चलना मेरे साथ जरूरी है, जहाँ पे आपको 220 चेयर्स देनी है। वो सहर्ष तैयार हो गए, उन्होंने बोला नहीं, आपको व्यक्तिगत रूप में चलना पड़ेगा। जब दिया तो वो विकलांग बच्चे उन कुर्सियों में बैठ के इतने खुश थे, इतने जैसे पिकनिक मना रहे हो, जैसे उनको क्या नहीं मिल गया हो। तो एक तो खुशी उनको मिली, लेकिन जब वो जाने लगे तो एक बच्चे ने उनकी टांग कस के पकड़ ली। तो वो बोले कि क्यों बेटा, क्या चाहिए, कुछ और चाहिए तुमको, बोलो भाई, रतन टाटा के लिए देने में क्या है। तो वो बच्चे ने जो जवाब दिया वो हमें लाइफ की फिलॉसफी को बताता है। उसने बोला कि नहीं, मैं आपको ठीक से पहचान लेना चाहता हूँ, ताकि मैं स्वर्ग में भी जब आपसे मिलूं तो मैं आपका चेहरा पहचान सकूं और आपको धन्यवाद दे सकूं। इस प्रसंग का मर्म ये है, इसके अंदर की बात ये है कि हम सब लोग जब इस संसार से विदा होते हैं, इन सांसारिक चीजों को छोड़ के जब चले जाते हैं, तो क्या कोई है जो हमारा चेहरा दोबारा देखना चाहेगा? कितने ऐसे हैं जो हमारे चेहरे को देखना चाहेंगे? यस, हम शरद वाजपेयी का चेहरा फिर से देखना चाहते हैं, इसलिए हम इस कार्यक्रम को आज मना रहे हैं। मेरे ख्याल में इस जेनेसिस की, इससे अच्छी कोई मिसाल हो ही नहीं सकती। हम लोग उनको देखना चाहते हैं इन पर्सन, वो चले गए हमको पता है, लेकिन हम अगर मर जाए, या उनके स्टूडेंट सबको ऊपर जाना है, वो अगर स्वर्ग में हो, तो हम फिर से उनको वही चेहरा याद करना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं। इसलिए इस बात को स्मरण करते रहने के लिए, इसको अक्षुण बनाए रहने के लिए हमको ये कार्यक्रम करना जरूरी हमने समझा, और अनवरत रूप से चलता रहे ये भी मैंने हम लोगों ने सम्मिलित रूप से जरूरी समझा। इस छोटी सी भूमिका के बाद मैं अतिथियों के स्वागत भाषण के लिए इस चैतन्य महाविद्यालय परिवार की प्रथम तो नहीं कहूंगी, प्रथम महिला लेकिन द्वितीय नागरिक जो धर्मपत्नी है हमारे वीरेंद्र तिवारी जी साहब की,
गरिमा जी, उनको मैं आमंत्रित करती हूँ कि अतिथियों के स्वागत में कुछ शब्द कहें। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और आज इस विशेष अवसर पर सर्वप्रथम अभिवादन पूरे चैतन्य परिवार की तरफ से हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय, जो स्वयं ज्ञान विद्या संस्कार संस्कृति के प्रतीक हैं। सर, आपको सादर प्रणाम और इस परिसर में आपका हार्दिक स्वागत अभिवादन। आज के इस अवसर पर हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष, हमारे संरक्षक एवं मार्गदर्शक माननीय पटेरिया सर का हार्दिक अभिवादन स्वागत पूरे चैतन्य परिवार की तरफ से। हम अभिवादन करते हैं आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता महोदय प्रोफेसर कल्लोल घोष जी का सादर अभिवादन, अत्यंत भावपूर्ण प्रणाम मैडम वाजपेयी को, जिन्होंने अपना समय दिया है आज हम सबके मध्य, आज सर की स्मृति हमारे साथ बांटने को वो तैयार हुई। हम अभिवादन करते हैं प्रोफेसर होता सर का, इस मंच से चैतन्य परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत है डॉक्टर जोगलेकर जी का, एवं जिनकी सदिच्छा से यह कार्यक्रम आकृति ले रहा है चैतन्य गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन श्री वीरेंद्र तिवारी जी का। हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में सुदूर अमेरिका से जुड़े हुए हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य वी के गुप्ता जी का हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम की संयोजक एवं प्रेरणा स्रोत आदरणीय वीना पाणी मैडम जी, आपको सादर प्रणाम और इतने सुंदर आयोजन के लिए, इतने खूबसूरत आयोजन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। इस हॉल में और अभी अभी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए प्रोफेसर दीवान जी का मैं चैतन्य परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्वागत है हमारे महाविद्यालय परिवार के समस्त सदस्यों का, हार्दिक स्वागत है वारे सर का, प्रणाम सर। हमारे आज के कार्यक्रम की मेहमान डॉक्टर गोयल, डॉक्टर हर्षा और डॉक्टर बर्मन मैडम, आप सभी सर की स्मृति हमारे साथ साझा करने के लिए उपस्थित हुए, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैतन्य महाविद्यालय में, समस्त विद्यार्थियों का। और इस कार्यक्रम की प्रेरणा स्वरूप आज जिनकी स्मृति में हम आज यह कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं, प्रोफेसर शरद के वाजपेयी जी, उन्हें शत शत नमन, सादर प्रणाम। सर, आपकी स्मृति में मैडम ने जो बातें साझा की, मैं भी थोड़ी सी भावुक हो गई थी क्योंकि सर से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें याद आई। सर ने अपने जीवन के अनुभव के मोतियों को हमारे साथ साझा किया, हमारे साथ बांटा। सर ने हमें सिखाया कि किस तरह से आप शांत रहकर केवल अपनी सदिच्छा से बहुत सारे कार्यों को अंजाम दे सकते हैं। महाविद्यालय की विकास यात्रा जब भी हम याद करते हैं, और मैं और चेयरमैन सर इन सब बातों के बारे में सोचते हैं, हमारा महाविद्यालय 2 कमरे से शुरू हुआ था और शायद ये कहीं ईश्वर की प्रेरणा है और आप समस्त गुरुजनों का आशीर्वाद है कि हम और जो अच्छा करने की जो हमारे अंदर सदिच्छा रहती है उसे ईश्वर किसी ना किसी रूप में आप जैसे देवदूतों के माध्यम से हमें पूर्ण करने के लिए प्रेरित कर देता है। सर हमसे जुड़े, सर ने हमें रास्ता दिखाया कि किस तरह से आप शैक्षणिक विकास कर सकते हैं। महाविद्यालय की उन्नत प्रयोगशालाएं, अलग अलग विभागों में जो उन्होंने साइंस के डिफरेंट एसोसिएशंस बनाए, बॉटनी एसोसिएशंस में स्वयं जीडी शर्मा सर ने यहाँ पर उपस्थित होकर के जो पार्टिसिपेंट्स थे, जो मेंबर्स थे, उनको शपथ दिलाई थी। सर की प्रेरणा से पहली बार इस अंचल में ही कहना चाहिए, एक वृहद हम लोगों ने साइंस एग्जीबिशन आयोजित की थी जिसमें बहुत सारे मॉडल जो थे वो बच्चों ने खुद बनाए और वो सारे मॉडल्स जो थे वो चल रहे थे, तो वो एग्जीबिशन साइंस एग्जीबिशन का कंसेप्ट। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित करने से क्या फ़ायदा होता है, कैसे बच्चों में एक साइंटिफिक विजन डेवलप होता है, इन सब की प्रेरणा सर से मिलती थी और उनकी ही प्रेरणा से ये सभी आयोजन महाविद्यालय में उन्होंने जो शुरुआत की। आज उनकी स्मृति को नमन करते हुए हम उनसे ये वादा करते हैं कि यह सिलसिला चलता रहेगा और हम अपने विद्यार्थियों के साथ, वो हमेशा एक बात कहते थे और उनके मन में
ये भाव रहता था कि बच्चों को उसका लाभ मिलना चाहिए। तो हम सब अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने विद्यार्थियों के लिए ये शपथ लेते हैं कि यह सिलसिला चलता रहेगा और सर की स्मृति को सादर नमन करते हुए एक बार मैं पुनः चैतन्य परिवार की तरफ से समस्त मंचस्थ अतिथियों का हार्दिक अभिवादन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर गरिमा जी। निश्चित रूप से आप बहुत दिनों से कॉलेज के माध्यम से शरद भाई से एसोसिएटेड रही हैं और आपने जो कहा तो शरद भाई ने जो बताया उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि जरूर ये कॉलेज एक दिन नंबर वन कॉलेज ऑफ दिस न्यूली फॉर्म्ड स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ रायगढ़ का होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। ऐसा मुझे पटेरा साहब बैठे हैं, पटेरा साहब आप देखना कि एक दिन इसको नंबर वन करके हम बताएंगे। ये हमारी आशा है, अंदर से अभिलाषा है और ये आशा और विश्वास के रूप में फलीभूत होगी। इस कड़ी में अब मैं आदरणीय प्रोफेसर शरद कुमार वाजपेयी जी का संक्षिप्त परिचय दे दूं। ये इसलिए भी आवश्यक है कि सब लोग उनको उतना समीप से नहीं जानते थे और बड़े बड़े डिग्निटरीज का परिचय देना हमारी यंग जनरेशन के लिए, कमिंग जनरेशन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके लिए उससे ही वो सीखते हैं, प्रेरित होते हैं कि लोग संघर्ष से इतना आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। 8 अक्टूबर 1952 को शिंदे की छावनी लश्कर ग्वालियर में श्री स्वर्गीय श्री गिरधर वाजपेयी जी और स्वर्गीय श्रीमती सावित्री वाजपेयी जी के यहाँ एक नन्ही सी किलकारी गूंजी। धीरे धीरे समय बढ़ता गया और उनका नामकरण हुआ शरद के रूप में। अब उस नाम को आप देखिए, अपने नाम को कितना चरितार्थ करते थे शरद वाजपेयी कि शरद जो है ये ऋतु जो है हिंदू ऋतुओं के हिसाब से सितंबर अक्टूबर शरद ही चल रहा है। और शरद का एक बहुत बड़ा क्वालिटी है शरद ऋतु की कि इस ऋतु में जो बादल हैं वो नीले और छोटे छोटे होते हैं, आसमान साफ होता है। आप अगर शरद भाई की पर्सनालिटी को देखें तो एकदम शांत भाव से, सरल भाव से मुस्कुराते हुए कॉम्प्लेक्सिटी को सिंप्लिसिटी में बदल देना और वैसा ही करते रहना, तो नाम का कितना प्रभाव होता है उसको वो चरितार्थ करते थे। उनकी प्राइमरी एजुकेशन, क्योंकि आदरणीय गिरधर वाजपेयी जी जिनको हम लोग चाचा जी बोलते थे, वो ट्रांसफरेबल जॉब में थे, गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर थे तो यहाँ वहाँ ट्रांसफर होते रहते थे। तो प्राइमरी एजुकेशन जो है उनकी रीवा में हुई, फिर बाद में उसके बाद वाली यूजी जो है भिंड में हुई और उसके बाद पीजी एमएससी इन केमिस्ट्री उन्होंने जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से 1973 में किया और उसके बाद पीएचडी उन्होंने जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर से किया, तब तक 1981 हो गया था। और उनके जो गाइड थे, अभी हम लोग अपने मुख्य अभ्यागतों के साथ चर्चा कर रहे थे कि उनके जो गाइड थे कपूर साहब, वो बहुत ही नोटेड केमिस्ट थे, घोष साहब बहुत अच्छे से जानते हैं और उनका बहुत अच्छे संबंध थे प्रोफेसर सी एन आर राव से, जो कि भारत रत्न थे। अभी आपको मालूम होगा, अभी पिछले हफ्ते के करोड़पति में एक प्रश्न भी आया था कि कौन से सी एन आर राव जो थे उनको भारत रत्न मिला था तो वो क्या थे, तो केमिस्ट वाज द आंसर, है ना। तो मैंने ऐसे लोगों से उन्होंने अपना विद्या ली थी, गुण लिए थे, ऐसे ऐसे उनके गुरु थे। संयोग से वो एक बहुत ही सेलिब्रेटेड फैमिली को बिलोंग करते थे। आप पूछेंगे कैसे, कि फादर जो हैं, फादर तो बॉटनी के प्रोफेसर थे इसलिए मैं उनसे बहुत क्लोज थी। जब एक बार यूजीसी से ये आया था कि भाई हिंदी में आपको पढ़ाना पड़ेगा साइंटिफिक सब्जेक्ट्स को, तो चाचा ने, मतलब आदरणीय गिरधर वाजपेयी जी ने एक कविता लिखी थी, एनुअल रिकनेंस ऑफ रस्ट, जिसको हम लोग पक्सिनिया ग्रेमिनिस्टिटिसाई पढ़ाते हैं कि गेरुआ का किस प्रकार से रेकरेंस होता था, तो उस रेकरेंस को केसी मेहता साहब का काम है बहुत, उसको समझा नहीं पाते थे लोग या इंग्लिश में लिटरेचर था, तो गिरधर वाजपेयी जी ने उसमें रोरी
रोरी नाम से एक कविता लिखी थी जिसमें पूरा किस प्रकार से यूरिडो स्पोर्ट्स आते हैं, पहाड़ों से कैसे आते हैं, पूरा अनुवाद वो आप कविता को, और वो इतना जल्दी जल्दी उसको एकदम क्रमिक रूप से और इतने तारतम्यता से और लय से सुनाते थे कि आपको पूरा एनुअल रिकरेंस इन रस्ट ऑर्डर यूरिडिनल समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार के लोगों से जो जनित होता है उसमें हम लोग साइंस के विद्यार्थी हम लोग बोलते हैं जीन्स आर इनहेरिटेड, दे आर नॉट एक्वायर्ड। तो ही हैज इनहेरिटेड सच काइंड ऑफ जीन्स और उसको इसलिए वो उनके व्यक्तित्व में झलकता था। संयोग से उनको जब पत्नी मिली तो वो भी केमिस्ट्री वाली मिली, आदरणीय डॉक्टर किरण वाजपेयी, जो स्वयं केमिस्ट्री में स्वनाम धन्य है, अच्छा काम है इनका, पीएचडी है। और इसके अलावा एक और इनकी क्वालिटी है जो मैं थोड़ी देर बाद में बताऊंगी। उनके छोटे भाई जो हैं श्री डॉक्टर आदित्य वाजपेयी जी, वो नामी गिरामी सिविल सर्जन रहे, अभी रिटायर हो गए हैं। और बहन जो वाजपेयी जी की आदरणीय भारती शुक्ला जी, वो भी सेंट्रल स्कूल में वरिष्ठ अध्यापिका रही, अभी वो भी रिटायर हो गई हैं। तो फैमिली बहुत ही सेलिब्रेटेड थी। अब देखे जो मैं बोलती हूँ कि जीन्स इनहेरिट करते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, इनकी जो पुत्र हैं दोनों मनु वाजपेयी और तन्मय वाजपेयी, जिसको हम लोग घर में मनु ऋषि बोलते हैं, ये लोग भी आईआईटी से कानपुर से इन्होंने अपना बीटेक किया और उसके बीटेक करने के बाद पीएचडी की वहां से, और बाद में वो बेंगलोर में सैमसंग में पदस्थ रहे। अभी फिलहाल वो कनाडा चले गए हैं, मेरे ख्याल में आज जर्नी में है, शायद वो फ्लाइट में है अभी। छोटा वाला पुत्र तन्मय, वो जब सिलेक्ट हुआ था बीएचयू में, तब से अब तक मैंने उसकी जर्नी देखी है कि पीजी करने के बाद, और देखिए बायोलॉजी के विद्यार्थी को सिलेक्ट होना बहुत मुश्किल बात है, तो बीएचयू जैसा एग्जाम उन्होंने क्लियर किया था, मेरे ख्याल में मुझे याद है 8वीं पोजीशन थी उसकी वहां। और उसके बाद में करते 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 अभी वो पीजी करने के बाद भी डीएम गैस्ट्रो हैं, उसमें उनकी महारत हासिल है, और अभी एट प्रेजेंट वो एम्स में है। बनु जी की जो पत्नी है वो भी आईआईटी कानपुर की प्रोडक्ट है और वो भी माइक्रोसॉफ्ट में पदस्थ हैं, जो अभी कनाडा में है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ उनके परिचय में कि दिस इज हाउ द जीन्स आर इनहेरिटेड एंड ट्रेट्स दे आर कैरिड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। अब इसके बाद मैंने उनका जो प्रोफेशनल जो कैरियर था उसके बारे में थोड़ा सा बताऊं, तो डॉक्टर वाजपेयी सीएमडी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में, जो इस अंचल का बड़ा प्रख्यात महाविद्यालय है, उसमें सन 1980 थे, हम सब लोग एक साथ ज्वाइन किए थे 1980 में। तो प्रोफेसर वाजपेयी उसमें 40 साल तक रहे, है ना, लगभग 40 तक साल उन्होंने सर्विसेज दी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे। उसके बाद फिर वो ये बात सब लोगों को मालूम होगी कि सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी जब यहाँ बनी तो वो प्रथम रजिस्ट्रार थे, उसके फाउंडर रजिस्ट्रार ऑफ द सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी लाल कृष्ण अडवाणी जी ने आके उद्घाटन किया था, और शरद वाजपेयी जी रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त हुए थे। वहां उनने अपने एडमिनिस्ट्रेशन की मिसाल दी कि वो अकेले टीचर ही नहीं है, वो एक बहुत अच्छे प्रशासक भी हो सकते हैं। उसके बाद वो सिलेक्ट हुए, कम लोगों को ये मालूम है कि यूनिवर्सिटी जो सरगुजा यूनिवर्सिटी है उसमें वो प्रोफेसर के पद में सिलेक्ट हो गए थे, ये बात अलग है कि वो गए नहीं कुछ कारणों से। और उसके बाद अल्टीमेटली कॉलेज से रिटायर होने के बाद, मुझे याद है 31 अक्टूबर 2018 को हमने फेयरवेल दिया था शरद भाई को, 31 अक्टूबर 2018 को सीएमडी कॉलेज से रिटायर होने के बाद कुछ दिन पश्चात उन्होंने चैतन्य महाविद्यालय पामगढ़ को एज प्रिंसिपल ज्वाइन किया। और उसके बाद इस महाविद्यालय की विकास की यात्रा को आप देख सकते हैं। आदरणीय पटेरिया जी बोल रहे थे कि हमने तो तब भी देखा जब शुरुआत हुई थी, हमने भी देखा है 2001 का कॉलेज, अब 2022 का कॉलेज। तो ये कॉलेज जो है अपनी तरुणाई में पहुंच गया है, 21 साल इसको हो गए, ये युवा हो चुका है, और सब लोगों का आशीर्वाद रहा तो ये और बढ़ेगा। इसके बाद मैं सब्जेक्ट्स एक्सपर्ट भी कई जगह रहे सर, बोर्ड ऑफ स्टडीज के मेंबर रहे, और जैसे जो प्रोफेशनल बॉडीज होती हैं उनके मेंबर्स रहे, जैसे इंडियन केमिकल सोसाइटी है, और भी सब्जेक्ट से संबंधित जो सोसाइटी हैं उन सब के आप मेंबर रहे। इंडियन साइंस कांग्रेस के लाइफ मेंबर थे, यस,
इंडियन साइंस कांग्रेस के लाइफ मेंबर थे सर, और कई बार जैसे शिलोंग में और यहाँ कांग्रेस सर अटेंड भी किया करते थे। ये सब उनकी बड़ी उपलब्धियां हैं। अब मैं सबसे पहले और बहुत भारी मन से उनको अपने दो शब्द उद्गार, जिस भी शब्दों की भाषा में आप उसको पिरो लें, उसके लिए बुलाना चाहती हूँ आदरणीय परम श्रद्धेय डॉक्टर किरण वाजपेयी जी, जो भी वो कहना चाहें। जो कि मैंने कहा कि इसमें सबसे ज्यादा कोई अगर अटैच्ड है सेंटिमेंटली तो वो कौन है, वो प्रोफेसर किरण वाजपेयी हैं। मैं अत्यंत विनम्रता पूर्वक मैडम वाजपेयी को आमंत्रित करती हैं कि दो शब्द कहें और हम सब सबका संबल बढ़ाएं और हमको धन्य करें। माननीय कुलपति महोदय और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय पटेरिया सर जी, माननीय कुलपति जी और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री एडीएन वाजपेयी सर जी, हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता कल्लोल घोष जी, अटल बिहारी यूनिवर्सिटी के अधिष्ठाता श्री होता जी, इस महाविद्यालय के डायरेक्टर श्री वीरेन तिवारी जी और मंच पर उपस्थित श्री जोगलेकर जी, इस कार्यक्रम की सूत्रधार मैडम वीणा पाणी जी, एक स्पेशल गेस्ट के रूप में किंतु इस महाविद्यालय की प्राण श्रीमती गरिमा तिवारी जी, इस सभागार में उपस्थित आमंत्रित अतिथिगण के रूप में निशा तिवारी, मैडम विभा गोयल, बारे सर जो यहाँ के प्राचार्य हैं, और वाजपेयी साहब की स्टूडेंट वर्षा। इसके अलावा इस सभागार में उपस्थित पूरा महाविद्यालयीन परिवार, अधिकारी, कर्मचारी, छात्र छात्राएं, और जिनकी स्मृति में कार्यक्रम रखा गया, उन सब के लिए जो आपने आज किया है, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ वीरेन जी को और गरिमा को, जिन्होंने इस महाविद्यालय का मंच इसके लिए हमको, इनको वीणा पाणी जी को दिया, और इस कार्यक्रम को इतने बृहद रूप में और इतने सफल रूप में करने के लिए जो उन्होंने मेहनत की। दो लाइन वाजपेयी जी के लिए कह के फिर कुछ कहूँगी। बहुत निश्चल, सरल, सहज, क्षमाशील और एकेडमिशियन तो वो थे। मैं कोई भी भूल करके आऊं, वो मेरे सहधर्मी तो थे लेकिन वो मेरे गुरु भी थे। उन्होंने मुझे पढ़ाया भी था और ताजीवन उन्होंने मुझे संवारा। मैं जो भी अपना व्यक्तित्व विकास मेरा एकेडमिक तौर पर हुआ, उसमें उनके योगदान को तो मैं क्या कहूँ। मैं कोई भी गलती करके आती थी, मैं उनको पहले बताती, आज मुझसे ये हो गया, आज मैंने कॉलेज में ये कर दिया, आज मैंने ये कर दिया, कभी भी गुस्सा नहीं हुए। ठीक है, हो गया ना, बस मुझे पता चल गया, बस आज मुझे मेरी गलती बताने वाला कोई नहीं। बहुत पेपर सुन के, उनके दो पेपर, बहुत प्रसिद्ध किताब है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, कॉटन विल्किंसन की, बहुत प्रसिद्ध। उन किताबों में उनके दो पेपर रेफर्ड हैं जर्नल में, जर्नल में पहले निकले फिर किताब ने उनको एक्सेप्ट किया और दो पेपर उनके उसमें रेफर्ड हैं। उनके गुरुजी इंटरनेशनल फेम के थे, वो अपने स्टूडेंट्स को भी वैसा ही काम लेके बनाते थे। थोड़ा सा कभी कभी टर्निंग पॉइंट आता है जीवन में कि जोधपुर यूनिवर्सिटी में उनका अपॉइंटमेंट होने वाला था, जस्ट कम्प्लीशन। पहले तो गाइड ने उनको रोक दिया कि नहीं नहीं तुम पीएससी में मत अप्लाई करो, तुम्हारी पीएचडी अधूरी रह जाएगी। पहले के बच्चे बहुत आज्ञाकारी होते थे, गाइड को पिता तुल्य मानते थे। तो गाइड ने बोला कि आप पीएचडी मत, पीएससी मत दो,
पीएससी तो हर साल होती है एमपीपीएससी, उन्होंने मान लिया कहना। अब जब थीसिस सबमिट करके आए तो 76 में आखिरी पीएससी थी, उसके बाद गवर्नमेंट पीएससी ही नहीं कर पाई। तो एक योग्य व्यक्ति गवर्नमेंट में ज्वाइन नहीं कर पाया। उसके बाद जोधपुर यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट मिल रहा था, तो पिताजी उसी वक्त हमारे देवर का एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गया, तो उन्होंने बोला कि तुम भी चले जाओगे, वो तो चला गया, तुम भी चले जाओगे तो मेरे पास कौन रहेगा। उन्होंने उनका मान रखा और वहाँ से छोड़ के आ गए। उस समय गवर्नमेंट में एडहॉक अपॉइंटमेंट होते थे, तो पिताजी हमारे जो ससुर जी थे वो बहुत ज़्यादा यहाँ के सारी कमेटीज़ में रहते थे और प्रोफेसर हैं, बहुत बहुत सालों से वो प्रिंसिपलशिप में थे, तो उनकी दूरदृष्टि होगी। तो उन्होंने बोला एडहॉक में क्या ज्वाइन करोगे, सीएमडी बहुत रिनाउंड कॉलेज था, उन्होंने उनको वहाँ ज्वाइन करा दिया। सीएमडी कॉलेज तो बिलासपुर का सबसे अच्छा था, लेकिन बिलासपुर में सन 98 तक पीएचडी का नामो निशान नहीं था, कोई समझता ही नहीं था। यदि वो कुछ करना चाहते थे तो कोई नहीं समझता था, और उनकी फितरत थी पूरी रिसर्च ओरिएंटेड, वो बिना रिसर्च किए रह नहीं पाते थे। तो उनकी जो ये एनर्जी थी वो कहाँ निकलती थी, विभा गवाह है, इनके यहाँ एक गैस प्लांट था, वो गैस प्लांट में कुछ खराबी थी, उसमें प्रतिदिन 10 से 20 लीटर पेट्रोल खर्च होता था और गैस पूरी नहीं पड़ती थी। पहले गैस से ही, पेट्रोल की गैस से प्रैक्टिकल एमएससी में कराए जाते थे और दिन रात लैब चलती थी। एक दिन वो गए और देखा तो ये पाया कि एक ट्यूब में, यदि थोड़ा सा उसको एक ट्यूब को उसमें मरकरी डाल के उसमें यूज होती है, वो ट्यूब डिसबैलेंस थी उसकी। उन्होंने दूसरी ट्यूब बनाई, मरकरी डाल के उसको ठीक से अरेंज किया। अरेंज करने के बाद इनके यहाँ प्रतिदिन का खर्च हो गया 5 लीटर, वो उनका माइंड था। तो अब ठीक है, यूनिवर्सिटी में होते तो आज वो कुछ और रूप में होते, परंतु उस समय ओरिएंटेशन रिफ्रेशर कोर्सेज की कोई कंपल्शन नहीं थी। पर मैं ये बात बता रही हूँ आपको सन 85 की, जब मेरा बेटा 1 महीने का था, और वो उस समय एक एक महीने, दो दो महीने के लिए मद्रास यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, हैदराबाद, कहाँ नहीं चले जाते थे और एक एक महीना कोर्स करके आते थे। क्रिस्टल केमिस्ट्री पे उनको इतना ज्ञान था, मतलब डेजर्ट सोसाइटी के वो थे, वहाँ का उनको इतना नॉलेज था, पर उनकी एक कमी थी, वो अपने आप को कभी ऐसा चिल्ला चिल्ला के बताते नहीं थे। और समझने वालों की इस ज़माने में कमी, तो वो जो उनका नॉलेज था अपार था, अथाह था, वो स्टेग्नेटेड हो गया। सीएमडी में उसकी ज़रूरत नहीं थी, जहाँ ज़रूरत थी वहाँ वो जा नहीं पाए, वो कमी थी उनके जीवन में। वो थोड़ा सा, हालांकि वो इतने समझदार और बैलेंस्ड थे कि उसको फ्रस्ट्रेशन में नहीं आने देते थे, लेकिन कहीं तो आदमी को कभी एहसास होता है। मैं उनकी स्टूडेंट, उनकी पत्नी, उनसे छोटी, उनसे कम नॉलेज वाली, मैं यूनिवर्सिटी में चेयरमैन भी बनी, डीन भी बनी, सब कुछ बनी, लेकिन योग्य कौन था मुझे मालूम था। सिर्फ वो मुझसे 1 साल सीनियर थे, और इनके कॉलेज की थोड़ी गलती थी कि उनको प्रोफेसर के रूप में प्रमोट नहीं किया। तो ये चीज़ें बहुत पारिवारिक दृष्टि से पति पत्नी के बीच में बहुत मायने रखती है, पर उन्होंने कभी मेरे को इसके लिए हर्ट नहीं किया, मुझे हमेशा आगे आगे बढ़ाया। मैंने कॉन्फ्रेंस की इंटरनेशनल, नीचे बैठ के सारा सपोर्ट किया, ऊपर मैं स्टेज पर होती थी, नीचे से पूरा सपोर्ट। तो वो सपोर्ट तो मुझे उनसे जो मिला, कहाँ मिलेगा मुझे। इसके अलावा उनकी बहुत सारी और क्वालिटी थी जो लोग नहीं जानते, मैं भी उस दिन आपको बताना भूल गई थी। इतने कलेक्शन हैं टिकट्स के, कोई लेटर आता था, उनके सारे मित्र और सारे गाइड फॉरेन जाते थे, तो फॉरेन से वो चिट्ठियां भेजते थे, तो चिट्ठियों में सबसे पहले, मैं नहीं समझती थी, वो क्या करते थे, सबसे पहले चिट्ठियों को जाके पानी में डुबाया, चिट्ठियां निकाल के लिफाफों को पानी में डुबा देते थे। वो 1-1.5 दिन तक पानी में डूबी रहती थी, क्यों, गोंद निकल जाए। तो गोंद जब छोड़ देता था तो वो टिकटों को सुखा सुखा के प्रेस कर करके वो फिर अपने रखते थे। इतनी टिकटें थी, बहुत तो पिक गई, बहुत टिकटें थी, डाक टिकट का संग्रह, इतने सारे सिक्कों का संग्रह, इतनी वैरायटी के सिक्के हैं कि मैं उसको किसी अच्छे म्यूजियम में देना चाहती हूँ। इतनी वैरायटी है, किस कंट्री की नहीं है वहाँ पर। और वो बाद बाद में ऑनलाइन जब बिकने लगे ना सिक्के, तो उनके जाने के बाद बहुत दिन तक उस सिक्के आते रहे, उन्होंने बहुत सारे ऑर्डर किए थे फल फूलों के। कभी मेरे साड़ी नहीं मंगाई थी, साड़ी का ऑर्डर किया था, आखिरी साड़ी 13वीं के दिन आई थी,
और बहुत सारे सिक्के, इतने इकट्ठे बहुत सारी चीज़ें, किताबें, किताबें उन्होंने पुताई हुई थी उनके जाने से पहले, तो ढेर लगा रखे थे। मैं चैतन्य कॉलेज को किताब दूंगा, तुम्हारे कॉलेज को नहीं दूंगा, चैतन्य को दूंगा, मैं CMD को दूंगा, मैं इसको, तुम लोग पढ़ते ही नहीं, जो पढ़ेगा उसको दूंगा। एक बार शायद उन्होंने मोल कंसेप्ट पे यहाँ लेक्चर दिया था, तो बच्चे बहुत इंटरेस्ट लिए थे, तो आके मेरे को बोले गाँव है लेकिन बच्चे बहुत पढ़ने में इंटरेस्ट ले रहे थे, उनको बहुत अच्छा लगा बच्चों का यहाँ का जो वो था, तो वो किताब सब यहाँ देना चाहते थे, छांट के रखे थे। लेकिन दुर्भाग्य से जिस दिन इनको लेके आ रहे थे, तो मैं सर्वेंट को बोली कि तू जरा इनके कमरे में जगह बना, क्योंकि मेरे को इनकी हिमाचली टोपी निकालनी थी। 15 अगस्त को यहाँ जब वो आ रहे थे तो वो बहुत बहुत खुशी से यहाँ आने के लिए तैयार होते थे, मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकती। एक बच्चा जैसे ना बाहर जाता है पेरेंट्स के साथ तो खुश होता है ना, वैसा वो इस कॉलेज में आने में दिखावा नहीं कर रही, बिल्कुल दिखावा नहीं कर रही, आपको एकदम सच बता रही कि जब यहाँ आना होता था जिस दिन ना, उनकी चूंकि तबीयत खराब रहती थी तो मैं जरा रिस्ट्रिक्शन लगाती थी, मैं इन लोग से पहले बोलती थी कि हफ्ते में 3 दिन आएंगे बस। इन लोगों ने इतना ख्याल रखा था उनका, इतना ख्याल, मैं गरिमा और वीरेंद्र को तो इसके लिए क्या कहूँ, मैं जितना ख्याल नहीं रखी उतना गरिमा रखती थी, तो मैं इस आशा में उनको भेज देती थी, इस विश्वास से। जब यहाँ आना होता था तो बच्चों की तरह रात में कपड़े निकाल लेना, रात में सब चीज़ लगा लेना। 15 अगस्त को, इस 15 अगस्त को लास्ट विजिट थी इनकी इस कॉलेज की, बहुत देर तक रात 10 बजे तक खटखट पटट खटखट खटखट कर रहे हैं, मैं पूछ रही हूँ क्या कर रहे हो, बता नहीं रहे, मैं थोड़ा जल्दी सोती हूँ तो मेरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे। फिर सुबह देखती हूँ 4 बजे से नहा ली और फिर कुछ खटखट खट खोज रहे हैं, पूछ रही हूँ क्या चाहिए, तब बोलते मेरी टोपी नहीं मिल रही। अब मैं इनकी अलमारी में टोपी तो रखी थी, मगर वो अलमारी के सामने इतनी किताबों का ढेर था जिसको मैं नहीं हटा पा रही थी। देर हो रही थी, गाड़ी आ गई, पहली बार उन्होंने झंडा रोहन बिना टोपी के किया, तो आके फिर दुखी भी हुए कि कोई झंडा रोहन, झंडा ध्वजारोहण टोपी के बगैर करता है। और वो खुशी, वो चेहरे की प्रसन्नता मैं आज भी नहीं भूल पाती। आपकी फोटो अभी डाली थी उन्होंने, आपने सरस्वती जी के पास उसी वेशभूषा में, और उस समय उनका स्वास्थ्य इतना अच्छा हो गया था, जो उनकी प्रॉब्लम थी वो तो सब कंट्रोल में आ गई थी। 12 से बीमार थे तो टेंशन में समय निकला, 17 में बहुत तबीयत खराब हुई, 19-20 में तबीयत बिल्कुल सुधर गई, सारे पैरामीटर नॉर्मल, इतने खुश। जब डॉक्टर ने बोला 29 जून को कि अब मैडम इनको सब खिलाइए, जो आप खाती हैं सब खिलाइए, वो खुशी बच्चों वाली खुशी होती ना, जब बच्चे को बिस्किट दे दो या कुछ दे दो, वैसी खुशी मैं भूल ही नहीं सकती। एकदम बच्चों से बचपना करना, बड़ों से बड़ों जैसा गंभीर व्यवहार करना, कभी ऐसा मैंने उनको नहीं पाया कि सीमा से आगे जाएं। यहाँ आने के लिए जो उनका उत्साह उस दिन का था, मैं क्या विवरण दूं। अब किताबें हैं, मैं थोड़ा मानसिक रूप से और संभल जाऊं कि किताबें मैं यहाँ भेजूंगी। अब मुझे ये तो नहीं मालूम कौन सी किताबें यहाँ के लिए छांटे थे, कौन से CMD के लिए, कौन से मेरे कॉलेज के लिए, लेकिन उनकी इच्छा थी तो मैं ज़रूर डोनेट करूंगी थोड़े दिन बाद। मैं फिर से सबको धन्यवाद देती हूँ, आप सब ने उनको याद किया। ज़रूर वो यूनिवर्सिटी या कहीं और नहीं पहुँचे, पर जो आज आप सब भावपूर्ण श्रद्धांजलि या प्यार या स्नेह दे रहे हैं, उस वो उसकी तुलना में आज मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है। कि मैडम वीणा पाणी ने मुझसे एक दिन चर्चा की और बताया यहाँ करेंगे, मैंने कहा इससे उपयुक्त स्थल कोई नहीं, उनकी अंतिम कार्य स्थली तो यही थी, इसलिए यहाँ आयोजन करना बहुत सही है। बस छात्रों से मैं एक बात कहूँगी, उनको वही अच्छा लगता था जब छात्र ईमानदारी से पढ़ते थे, मेहनत करते थे। मैं उनके नाम से स्वर्ण पदक की भी अप्लाई कर रही हूँ यूनिवर्सिटी में, पर मैं चाहूँगी कि उसको मिले जो सच्ची मेहनत कर रहा है, क्योंकि वो उनकी वही आशा वही इच्छा होती थी, बेईमानी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। अब आप दूसरी यूनिवर्सिटी में चले गए हैं, परंतु फिर भी जिसके लिए, जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं वहाँ ईमानदारी से पढ़ें, कभी भी शॉर्टकट ना अपनाएं। सफलता मिलती है, ऐसा नहीं कि शॉर्टकट से मिलती है, सफलता ईमानदारी और मेहनत के रास्ते से ही मिलती है, देर लगती है, धीरज चाहिए। तो ऐसे धैर्यवान व्यक्ति के लिए आप सभी, हम सभी
धैर्य को ही अपनाए। पुनः सबको धन्यवाद देती हूँ। आदरणीय वाजपेयी भैया जी मेरे, वो आए थे खुशी से ज्वाइन करने जब बिलासपुर, वो तो अभी बताएंगे अपने संस्मरण, मैं उस पर क्या बोलूंगी कि मेरे ख्याल से एक दिन नहीं गया था जब उन्होंने ज्वाइन किए थे। प्रति शाम को घर आना, जो हमारे ट्रेडिशनल खाने होते थे वो थोड़ा मोड़ा खा लेना। सहज व्यक्ति हैं, कोई उनका तामझाम नहीं है, और इतने खुश होकर आए थे कि मैं अपने भाई भाभी के से मेरी रोज मुलाकात होगी। अकस्मात ये हुआ, इतने सरल व्यक्ति को सबसे सरल जीव गाय ने मार डाला। इससे अधिक विडंबना उनके लिए और क्या हो सकती है। क्या समय है, जैसा जिसका भगवान लिखा है, मैं इतना कह के आप सबको पुनः धन्यवाद देते हुए स्थान। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय किरण भावी जी, प्रोफेसर किरण वाजपेयी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बिलासा महाविद्यालय बिलासपुर। निश्चित रूप से शरद भाई के बारे में जितना कहा जाए कम है। हम लोगों ने उनके बुक्स के पर्सनल कलेक्शन देखे हैं, उनकी जो पर्सनल लाइब्रेरी थी इतनी सारी उसमें किताबें थी। मुझे अभी जब आपने ये बात बताई तो मुझे याद आया कि फ्रीडम एट मिडनाइट जो किताब है वो किताब शरद भाई से मेरे को मिली थी और मैंने पढ़ी थी। ऐसे दिए, बोले पढ़ो इसको, तो हमने पढ़ा उसको। तो मतलब ऐसे मैंने रेयर कलेक्शंस उनके पास थे। मुझे याद है शैली और कीट्स को भी उन्होंने बहुत पढ़ा है, और वो कहीं किसी किसी मौके पर उसको उद्धृत भी करते रहते थे, ये भी मैंने देखा है। तो ये सब गुण में थे। और ये जो पोएट्री लिखने वाली या पोएटिक हृदय होना, कवि हृदय होना, ये बात उन्होंने इनहेरिट करी थी, क्योंकि चाचा बहुत अच्छा लिखते थे उनके पिताजी, और वो उनकी जो कविताएं थी वो कहीं इस पन्ने में, कहीं इस पन्ने में, कहीं इधर उधर ऐसी छिछली पड़ी रहती थी। तो चाचा जब मई 2011 में और जब दिवंगत हुए, तो उसके बाद इन सब लोगों ने, जिसमें शरद भाई का मुख्य हाथ था, कि उनको संकलित करके, और प्रोफेसर गिरधर वाजपेयी के जो छोटे भाई थे भगवतीधर जी, उन्होंने उसको प्रकाशित कराया 2012 में। और उस किताब का उसका नाम था आस्था के स्वर। उस आस्था के स्वर की एक कॉपी शरद भाई ने बहुत स्नेह से मुझे दी थी, और बोले थे कि तुम्हारी रुचि है, तुम पढ़ती हो। तो हमने कहा वो मेरी पक्सीने वाली कविता है इसमें, बोले है। तो उसमें देश प्रेम से ओतप्रोत कविताएं, बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं जो लिखी थी, वो संकलन आज भी मेरे पास है। और उसमें शरद भाई के हाथ का पेन से लिखा हुआ है कि उन्होंने मुझे सप्रेम भेंट वो किताब दी है आस्था के स्वर। तो ऐसी उनकी बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज थी, पर वही जो मैडम किरण ने अभी बोला कि वो प्रोजेक्ट नहीं करते थे, बोलते नहीं थे। तबीयत भी खराब होती थी कभी, कॉलेज में पूछो कि शरद भाई ठीक हो, ठीक लग रहा है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, बस इसके आगे कुछ जवाब होता ही नहीं था। कितना परहेज, कितना सब चलता था। एक बार तो मेरे को तो बिल्कुल छोटी बहन जैसा करते थे ना भाई। तो एकदम एक दिन मैंने बोला कि नहीं आपकी तबीयत ठीक तो नहीं लग रही है शरद भाई, तो बोलते नहीं लग रही होगी तो तुम क्या कर लोगी। तो मतलब बिल्कुल ऐसा स्नेह कि जैसे कोई, मतलब मुझे आज भी लगता है, मैं ये बनावटी नहीं बोल रही हूँ या दिखाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मुझे आज भी लगता है कि मेरे से बड़ा अगर कोई भाई होता तो शरद भाई जैसा ही होता। मैं इस मामले में फॉर्चुनेट नहीं हूँ कि मेरा कोई मेरे से बड़ा कोई घर में है, मैं सब जगह खुद ही बड़ी बड़ी हूँ। लेकिन शरद भाई को मैंने हमेशा बड़ा भाई माना, और उन्होंने मुझे हमेशा छोटी बहन माना, और अधिकार पूर्वक उन्होंने जो मुझसे कहा मैंने बनते तक उसको निभाया, और अंतिम सांस तक उनकी कही हुई कुछ भी बात जो शिक्षा लेने लायक होगी मैं उसको निभाते रहूंगी और मानते रहूंगी। इस कड़ी में अब मैं आज के मुख्य अभ्यागत चीफ गेस्ट, क्योंकि मुझसे कहा गया है कि समय कम है, तो हमारे मुख्य अतिथि महोदय प्रोफेसर अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी, आचार्य श्री अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी जी को आमंत्रित करूंगी। लेकिन आमंत्रण से पहले फिर थोड़ा सा उनका परिचय। अब उनके परिचय की बात क्या करूं,
आप अगर खोजिए तो उनका परिचय ना ऐसे पन्ने पे पन्ने भर जाते हैं, ऐसा लगता है अगर कोई पढ़ के बोले तो कितने पन्नों को बोलता रहेगा। लेकिन उसमें से कुछ जो मुख्य बिंदु हैं वो मैं बताती हूँ। और कि पदेन या पोस्ट या प्रोफेशनल अचीवमेंट्स में तो आप जानते हैं कि अभी वो वर्तमान में अटल बिहारी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं, लेकिन इसके पहले वो 3 यूनिवर्सिटी के और वाइस चांसलर रह चुके हैं। हिमाचल यूनिवर्सिटी में शिमला में उसके 2 टर्म में रहे, एपीएस यूनिवर्सिटी रीवा, अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय रीवा का जो था, और चित्रकूट जो ग्रामोद्योग विद्यालय है उसमें भी वो वीसी की तरह रह चुके हैं। इसके अलावा प्रोफेशनली एंड बाई हिज प्रोफेशनल इंस्टिंक्ट्स ही इज ए ओरिजिनल थिंकर, मौलिक चिंतक हैं वो, हर चीज का चिंतन उनका मौलिक है। ये बात अभी कल परसों जब हम लोग उनको इनवाइट करने गए थे तो मेरे से तो बोले कि आपको फोन में बोल दिया था तो क्यों आ गई आप, तो हमने कहा कोई बात नहीं, अब हमारा ये स्नेह हमारा मन था हम चले आए। अब वहां मैंने देखा जो देवा की यूनिवर्सिटी का लिखा हुआ है उसमें पहला शब्द है करुणा, दूसरा शब्द है अनुशासन और तीसरा शब्द है उत्कृष्टता, और इन तीनों का समागम हमको एडियन वाजपेयी में मिलता है। उनका जो कवि हृदय है उसको आप देखेंगे वो करुणा से ओतप्रोत है। और सच में विश्वविद्यालयों में या हमारे पढ़ने वाले संस्थानों में जहां से हम अध्ययन अध्यापन करते हैं उनमें अगर करुणा नहीं है, वो भाव नहीं है, और उसके बाद अगर हम अनुशासित नहीं है अपने जीवन में तो हम उत्कृष्ट नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। तो ये तीनों चीजें कड़ी के रूप में एक चीज से जुड़ी हुई हैं, और ये कोई भी व्यक्ति तभी सोच सकता है जब उसका आचरण स्वयं करता हो। प्रोफेशनल बॉडीज की अगर हम बात करें तो मैंने ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के आप बहुत समय तक पदेन मतलब एडवाइजर रहे हैं, उसके बाद मैंने कुछ चीजें उनके बारे में लिख के रखी हैं, और जहाँ तक उनके पब्लिकेशंस का वो है तो मैंने इतने सारे पब्लिकेशन थे कि मैंने उसके 1-2-3 पर करके गिना तो करीब 55 है, और उसके बाद अच्छा ठीक है। और बस एक बात और कहूँगी आपकी परमिशन से कि इनकी जो कविताएं हैं अरुण सतसई नाम से इनका बहुत अच्छा एक काव्य संकलन है जिसमें कपलेट्स हैं, दोहे हैं, और सतसई मतलब बिहारी की सतसई से उसकी तुलना की जाती है, 700 दोहे हैं उसमें। उसमें से कुछ मैंने सुने हैं, कविता से मिली एक कार्यक्रम जो था 15 दिसंबर को हुआ था बिलासपुर में, उसमें मैं गई थी और तब मैंने देखा कि एक इकोनॉमिक्स वाला व्यक्ति किस प्रकार से भाषा पे अपना पांडित्य रखता है और किस प्रकार से कितने ओज से वीर रस की कविता, श्रृंगार रस की कविता और अलग अलग इन प्रतिमानों को, रूपकों को, उपमाओं को किस प्रकार से पिरोता है शब्दों में, इसका जीता जागता उदाहरण हमारे वीसी साहब हैं श्री अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी। उनकी वो देखिए, मैंने उनकी सिंप्लिसिटी देखिए कि वो आ गए कि भाई ज्यादा मत बोलो, है ना, ज्यादा मत बोलो, ऐसे मेरे को बोलने आ गए। लेकिन मैं उनके लिए बस एक छोटी सी 2 लाइन बोलूंगी, अपनी मंजिल पे पहुंचना भी और खड़े रहना भी कितना मुश्किल है, बड़े रह के बड़े रहना भी। शकील साहब की ये वो है, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आचार्य जी श्री अरुण दिवाकर नाथ जी को आमंत्रित करती हूँ, सादर आइए। भाई शरद वाजपेयी जी की स्मृति को समर्पित इस कार्यक्रम के अत्यंत सम्माननीय अध्यक्ष शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय के सम्माननीय कुलपति प्रोफेसर ललित प्रकाश पटेलिया जी, हमारी भाभी जी किरण भाभी, महाविद्यालय के प्राचार्य वीके गुप्ता जी, प्रोफेसर एच एस होता जी,
प्रोफेसर कल्लोल घोष जिनको कि स्मृति व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया गया है, बहुत बड़े केमिस्ट हैं, आदरणीय जोगलेकर जी, श्री वीरेंद्र तिवारी जी, गरिमा जी, विभा जी, निशा जी, वर्षा जी, बारे जी, इस महाविद्यालय के समस्त आचार्य कुल के सदस्यगण, अधिकारी, कर्मचारी, बंधु और प्यारे विद्यार्थियों, वीणा पाणी जी, हमने शरद भाई ने लगभग एक साथ पढ़ाना शुरू किया था, ये उनका स्नेह है वीणा पाणी जी का, जो कि अतिशयोक्तिपूर्ण हमारा परिचय दे रही थी। न तो मैं इसका पात्र हूँ, न मेरी इच्छा ही है इस प्रकार के कुछ सुनने की, ये आपकी महानता है। शरद भाई से हमारे संबंध किरण भाभी से भी पहले से हैं, इनकी शादी हमारे सामने हुई, इनके शादी का जो पूरा स्वयंवर था वो हमारे सामने ही रचा गया था। थोड़ा सा हंसिए आप लोग, ज़्यादा गमगीन होने की आवश्यकता नहीं है। जब डीएनए पूल की बात वीणा पाणी जी कर रही थी तो मैंने उस वाटसन और क्रिक की लैब देखी, वो पब देखा है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज में, जहाँ वो काम करता था इस पर। बहुत बड़ा डीएनए पूल शरद वाजपेयी जी का था, उनके पिताजी गिरधर वाजपेयी जी हमारे भी एक मेंटोर हैं, शरद भाई भी हमारे मेंटोर हैं, लेकिन वो पूरा जो डीएनए परिवार वो है जिससे कि अटल बिहारी वाजपेयी का भी संबंध है। अटल बिहारी वाजपेयी गिरधर वाजपेयी जी के सगे चचेरे भाई थे, छोटे भाई थे। मुझे वो भी धन्यवाद है, जब अटल जी आए थे बिलासपुर में कुछ पार्टी के काम से, घर में तैयारियां चल रही थी, मैं भी था, कह रहे थे वाजपेयी जी कि हो सकता है अटल घर पे आए, संदेश गया वो अटल जी घर पर आए। हमारी चाची जी चूल्हे में खाना बना रही थी, वो तो अटल जी ने अपनी भाई ग्वालियर की भाषा में कहा, अरे भौजाई इतने आ जाओ, पाए तो छू लें। ये अटल जी की बात मैंने खुद अपने कानों ने सुनी है, आंखों से देखा है। शरद भाई निश्चित तौर पर बहुत ही निश्चल, सरल, सज्जन, इस बात से मैं पूरा सहमत हूँ जो कि किरण भाभी ने कहा, वो कभी भी अपने को प्रक्षेपित नहीं करते थे, कभी भी ऐसा नहीं कहना कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा कर लिया। ये बात गिरधर वाजपेयी अक्सर कहा करते थे जब तुलना करते थे मेरी और उनकी, कहते थे एडियन तुम बहुत आगे जाओगे, एक तुम्हारे अंदर प्रोएक्टिवनेस है, एक सेल्फ प्रोजेक्शन की बात है, तुम आगे आके इनिशिएटिव लेते हो चीज़ों को, जो कि शरद में नहीं है। आज गिरधर वाजपेयी जी की बात में सच्चाई नज़र आती है। जब 2003 में पहली बार वाइस चांसलर बना रीवा यूनिवर्सिटी का, यहाँ आया था उनसे मिलने के लिए, तो उन्होंने चार लाइनें लिख के दी थी गिरधर वाजपेयी जी ने। उसका भाव ये था कि हे ईश्वर, तो मुझे इतनी ऊंचाई मत देना कि नीचे ज़मीन न दिखाई दे, और इतनी बड़ाई मत देना जिससे अपने दूर हो जाए। ये उन्होंने मुझे लिख करके दिया था। शरद भाई एक संपूर्ण मानव जिसे कह सकते हैं, एकेडमिक तो थे ही थे, साइंटिस्ट थे ही थे,
जोधपुर यूनिवर्सिटी से आरसी कपूर के अंडर में पीएचडी की। और कभी कभी मैं सोचता हूँ यदि हमारे गिरधर वाजपेयी चाचा जी जिद नहीं करते कि तुम यहीं आ जाओ सीएमडी कॉलेज में पढ़ाने के लिए, तो निश्चित तौर पर किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने होते, बड़ा साइंटिस्ट बन चुके होते। ये उनका त्याग था शरद भाई का, जो कि अपने पिताजी की बात मान करके सीएमडी कॉलेज में पढ़े रहे। उनके ही कहने पर मैं बिलासपुर आया। अभी एक हफ्ते पहले भाभी जी घर पर आई, तो 1980 शायद जून 80 की एक चिट्ठी शरद भाई ने हमको लिखी थी। वो जबलपुर से यहाँ कागज लाते हुए बहुत सारी चिट्ठियाँ निकली अपने बड़े भाई साहब की, शरद भाई की चिट्ठियाँ, तो मैंने इनको बताया। उसमें साफ साफ उन्होंने लिखा है कि तुम एडियन यहाँ आ जाओ, मैं अपने बहुत अकेला महसूस करता हूँ, हम लोग साथ साथ यहाँ पर के काम करेंगे। इन्होंने व्हाट्सएप पर उसकी इमेज ले ली थी चिट्ठी की। हम लोगों ने बिलासपुर की जितनी सड़कें हैं लगभग सात सात पैदल या साइकिल से नापी हैं, साथ साथ हम लोग खाना खाते थे, यहाँ तक कि एक चारपाई पर हम लोग साथ ही साथ सोते थे। और एक उनका शौक जो था संगीत का था, वो पता नहीं क्यों यहाँ पर नहीं बताया गया, सिक्के इत्यादि तो ठीक ही थे उस समय, जबकि लोग टेप रिकॉर्डर जानते नहीं थे। बोले एडियन यार टेप रिकॉर्डर खरीदना है, हमने चलो खरीद लाते हैं। तो फिलिप्स का टेप रिकॉर्डर लाया गया, उसके लिए कैसेट्स लाए गए, फिर कैसेट्स एक दो नहीं, कम से कम 500-600 कैसेट्स थे उनके पास में। और 500-600 कैसेट्स की एक लाइब्रेरी बनाई गई। फिर उसमें ये कहते थे एडियन ऐसा है, इस सवेरे सुनने वाले गाने ये रहेंगे, दोपहर सुनने वाले गाने ये रहेंगे, शाम को सुनने वाले गाने ये रहेंगे, रात में सुने, रात के 12-12 बजे तक हम लोग लता मंगेशकर के गाने सुना करते थे टेप रिकॉर्डर। अविवेक भारती का जो आता था अंत में, उसको सुन करके कहते हैं शरद भाई अब सो जाए, चाचा चिल्लाते थे क्या कर रहे हो तुम लोग, जो है ये सब चीज़ें हम लोग करते रहते थे। हमारे वाई सांसद बनने सबसे अधिक खुश यदि कोई व्यक्ति होता था तो शरद वाजपेयी होते थे। रीवा में वाई सांसद बना, चित्रकूट वाई सांसद मेरा, उसमें हिमाचल बना तब तो बहुत खुश थे। आए थे हमारी बिटिया की शादी में, भाभी जी दोनों लोग वहाँ पर आए थे, हमने सम्मान किया था उनका। जब यहाँ पर बनकर के आया वाई सांसद, पहले फ़ोन किया कि मैं आ रहा हूँ, और जिस दिन ज्वाइन किया था हमने उसी दिन शाम को घर पे उनके गया था। और मैंने कहा कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी सेवा करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, ईश्वर ने मुझे सेवा करने के लिए यहाँ पर आपके पास भेजा है, आपको गाड़ी की किसी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कभी उन्होंने लेकिन मुझसे कहा नहीं, कभी ये नहीं कहा गाड़ी भेजो कुछ कर दो, मैं बार बार पूछता रहता था, किरण भाविस कहता था बता दो। और अक्सर ऐसा होता था हम प्रभात पांडे जी इनके यहाँ चले जाते थे, प्रभात कहता था बता दो इनको जो है हम आने वाले हैं, हमने नहीं नहीं बताएंगे, इसलिए नहीं बताएंगे कि भाभी जी को पता चल जाएगा तो पहले से खाना बना के रखेंगी बिना पूछे हुए कि हम खाएंगे कि नहीं, खा के आए कि नहीं आए। इसलिए क्या होता था, हम लोग घर से खाना था आराम से आते बिना बताए हुए, रात 10 बजे पहुँच गए, उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया था, बोले इसलिए नहीं बताया था। देखो पूरी तरह से सुलझा हुआ, पूरी तरह से समर्पित, पूरी तरह से आत्म केंद्रित व्यक्तित्व था शरद वाजपेयी जी का। सब कुछ सेटल्ड हो गया था, बच्चे सेटल्ड हैं, पत्नी सेटल्ड है, कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं थी। मुझे लगता था कि अब वो शांतिपूर्वक जीवन जिएंगे। जो बीमारी थी, बीमारी से भी उनको लगभग निजात मिल चुकी थी। उसी समय अचानक मैं जयपुर में गया हुआ था कोई मेमोरियल लेक्चर देने के लिए, वहीं सूचना मिली, मैंने रश किया दिल्ली, दिल्ली से रायपुर, रायपुर से यहाँ पे आए। Very sad day for me in my life. It was the saddest day in my life. कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन
अभी मैं कह रहा था जीवन में यदि सबसे सच यदि कुछ है तो मृत्यु है। जीना जो है वो एक घटना हो सकती है और मृत्यु जो है सुनिश्चित है। जीवन में यदि सबसे सुनिश्चित कोई चीज़ है तो मृत्यु है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सबको एक दिन वो प्राप्त होना ही है, लेकिन जीवन का प्रत्येक क्षण हम किस प्रकार से जिए ये भी शरद भाई से सीखना पड़ेगा। शरद भाई कभी खाली नहीं बैठते थे, कुछ न कुछ उधेड़ बुन में जो है पड़े रहते थे, कुछ न कुछ करते रहना, लिखते रहना। राइटिंग उनकी बहुत अच्छी थी, तो उनके जीवन से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। हम एजुकेशन लाइन में हैं, मैडम किरण वाजपेयी ने कहा ही विद्यार्थियों के लिए कि आप लोग अच्छी पढ़ाई करिए। अच्छी पढ़ाई करने से ही आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको पढ़ना ही केवल काम है। हम टीचर्स हैं, टीचर्स को भी अच्छा पढ़ाना चाहिए, कुछ नया सोचना चाहिए, नया लिखना चाहिए, नई नई रिसर्चेस करना चाहिए, कुछ इनोवेट करना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन को भी अच्छे ढंग से एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए, क्योंकि हमारा एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन जो है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमिक को फैसिलिटेट करने वाला होता है। अगर हम एकेडमिक को फैसिलिटेट नहीं कर पाए तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन होने का कोई मतलब नहीं है। सज्जन थे शरद भाई, लेकिन शरद भाई जैसा उद्भट व्यक्ति कोई मिलेगा नहीं आपको। दो चीज़ें कॉमन शरद भाई की हमारी थी। शरद भाई भी घर छोड़ के भाग गए थे, एक किसी को पता नहीं हुआ, शेड्यूल में थे, कुछ ही बात से कुछ नाराज़ हो गए, शरद भाई घर छोड़ के भाग गए और यहाँ ढूंढे पड़ रहे हैं कहाँ गए शरद भाई। शरद भाई घूमते घूमते इलाहाबाद होते जोधपुर गए थे रिसर्च करने के लिए, घर छोड़ किसी को पता नहीं था, और एक दो दिन नहीं 6 महीने तक लोगों को पता नहीं था क्या गुजरी होगी पिताजी पर, क्या गुजरी होगी माताजी पर। सब ढूंढ ढूंढ के परेशान थे। शहडोल के आईपीएस ऑफिसर एसपी साहब थे वीके दास, जो बाद में यहाँ डीजीपी बने, वो कहें कि वाजपेयी जी, एक वाजपेयी जी और थे, उनका लड़का भाग गया था हमने यहाँ, तो वहाँ से फिर किसी तरह से उन्होंने फ़ोन किया कि तो पता चला डिटेक्ट हुआ, तो इनको लेकर के गया। इसलिए भी परेशान थे गिरधर वाजपेयी जी, तो उनको अपने सामने रखना चाह रहे थे कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए। ऐसी घटना हमारे साथ भी हुई, जब जबलपुर में हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैंने 2 महीने यहाँ काम किया होता एडाप में ही जरहाभाटा कॉलेज में, तो मैंने सोचा मैं भाग के आता हूँ, यहाँ से भी तनख्वाह लेके चला जाऊँगा। हम भी घर से भाग के आए, जब बस में बैठ के आए बिना बताए हुए यहाँ आए, तनख्वाह निकलवाई हुई सी पतरोड़ा कॉलेज जाने लगे, तब तक गिरधर वाजपेयी जी आ गए। बोले कहाँ चलो, घर चलो। घर में गए तो कुछ बड़ी घटना है, रोक लिए गए। तब आंटी जी ने कहा कि लाला बाहर मत निकलो, जो ओएन श्रीवास्तव टीआई बोल दिए हथकड़ी लिए खड़ो है, तुम्हें जेल जाने की तैयारी है, एफआईआर लॉज हो चुकी है तुम्हारी। हम दूसरे दिन ही यहाँ पर हाईजैक करके पकड़ लिए गए। लेकिन उसी वक्त शरद भाई ने बताया कि इस पहले विपुर महाविद्यालय, वो क्या कहते हैं कि इसका नाम स्नातक महाविद्यालय था, यहाँ पोस्ट निकली, वो आखिरी दिन है, यहाँ अप्लाई कर दो। तुमने वहाँ अप्लाई कर दिया और जैसा बताया किरण वाजपेयी ने, गिरधर वाजपेयी जी ने सब कुछ किया था, हमारा सिलेक्शन हो गया। तो कहने के मतलब में जहाँ पर साहस दिखाना है वहाँ साहस दिखाने में भी कमी नहीं थी, और जिसके बारे में जो निर्णय ले लिया उन्होंने, कहना चाहूँगा कि किरण भाभी आज जो कह रही हैं, किरण भाभी तो उनके जीवन में आई हैं, तो शरद वाजपेयी जी की जो जीवंतता थी जीवटता थी इसके कारण आई। यदि उनके स्थान में कोई दूसरा व्यक्ति होता तो आज किरण भाभी हमारी भाभी नहीं होती। मुझे एक एक घटना पता है उस समय की, किस तरह से चीज़ें जो है वहाँ पर घर पे चल रही थी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा वीरेन जी, विशेषकर गरिमा जी को। गरिमा जी ने मुझे फ़ोन किया कि 8 तारीख को कार्यक्रम रखा है शरद वाजपेयी जी के नाम पर। हमने शरद वाजपेयी के नाम पर है तो मैं सारे कार्यक्रम छोड़ के आऊँगा आऊँगा आऊँगा, आप निश्चिंत रहिए, मुझे न किसी निमंत्रण की आवश्यकता है न किसी आवश्यकता है। उन्होंने जो नींव डाली इस महाविद्यालय के विकास की,
वीणा पाणी जी और वीके गुप्ता जी दोनों ही जुड़े हैं, हमारे भी निकट के हैं, शरद भाई के भी निकट के हैं। ये दोनों मिलकर के जितना एकेडमिक जो एलिमेंट्स हो सकते हैं वो सब यहाँ प्रोवाइड करेंगे। जो और चीज़ें सुविधाएं होती हैं एडमिनिस्ट्रेशन जुड़ी हुई, उसमें ललित जी यहाँ पर वाइस चांसलर हैं, हमारी भी जहाँ आवश्यकता पड़ेगी हम निसंकोच आप सबके साथ खड़े रहेंगे। ये बात सच है, यदि शरद वाजपेयी सूरज की तरह सहायता करते तो उतनी सहायता नहीं कर पाऊँगा, लेकिन अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी के अंदर जितनी ताकत है एक दिए की तरह आपकी सहायता करूँगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। भैया ने जैसे कहा कि वो घर छोड़ के भाग गए थे, मुझे लगता है ये निर्णय उनको जब जोधपुर यूनिवर्सिटी छोड़ रहे थे तब भी लेना था, क्योंकि वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए रजिस्टर्ड हुए, 6 महीने तक गाइड उनको इतना तंग करता रहा, और वो रिसर्च ओरिएंटेड व्यक्ति काम के भूखे होते थे, काम नहीं देता था उनको, तो परेशान हो गए वो। तो वो यदि बताते पिताजी को तो वो अनुमति नहीं देते, क्योंकि वो गाइड उनके मित्र थे। तो उस दिन उनको थोड़ा सा विरोध भावना जागी और वो चले गए जोधपुर यूनिवर्सिटी। 2 महीना बहुत कष्ट में बिताए, और उसके बाद फिर उनको वहाँ CSIR की फेलोशिप मिल गई, क्योंकि थे तो हमेशा ब्रिलियंट। एक और बात बताती मैं आपको, जब वो ग्वालियर यूनिवर्सिटी में MSc करने आए तो वहाँ फिजिकल केमिस्ट्री में एडमिशन उनको नहीं दिया जा रहा था। क्यों? क्योंकि वो एक लड़का था जो कि फिजिकल केमिस्ट्री में MSc चाहता था, बाकी सब ऑर्गेनिक पढ़ना चाहते थे। जो वहाँ की हेड थी वो अपनी बला नहीं लेना चाहती थी कि ये फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेगा तो मेरे चार्ज मतलब प्रति हफ्ते 16 पीरियड बढ़ेंगे। तो इस चक्कर में उनको बहुत हराश किया गया कि नहीं नहीं तुम मत करो मत करो मत करो, पर वो कुछ मामले में जिद्दी थे। तो वो क्या किए, बोले ये कहा गया कि तुमको इसके प्रैक्टिकल करने के लिए और थ्योरी अटेंड करने के लिए प्रतिदिन साइंस कॉलेज जाना पड़ेगा ग्वालियर के, और साइंस कॉलेज में एक त्रिपाठी सर थे, एक शर्मा जी थे, उनसे बात करके आओ, वो तुमको पढ़ाएंगे कि नहीं फिजिकल। दोनों ने उनको बहुत खुशी से फिजिकल पढ़ाई, फिजिकल केमिस्ट्री में फिर उन्हें टॉप किया, ग्वालियर यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री में टॉपर थे वो। वो जिद्द पहली उनकी सफलता दिलाई। दूसरी जिद्द थी उनकी जब वो जोधपुर यूनिवर्सिटी चले गए, फिर वहाँ उनका बहुत विकास हुआ। जब बिलासपुर ज्वाइन किए तो कभी कभी दुखी होते थे, तो मैं उनको बोलती थी नहीं आते तो मैं तुमको कहाँ से मिलती, क्योंकि मैं तो उनको CMD कॉलेज में मिली थी। तो मैं बोली इसी को टर्निंग पॉइंट समझो, अब मैं तुमसे इन्फीरियर हूँ, अच्छी हूँ, बुरी हूँ, जैसी भी हूँ। तो शायद उस वक्त भी थोड़ा डैशिंग निर्णय लेते तो और अच्छा कैरियर होता ना। चिट्ठी की बात भैया ने बोली, अटल जी की चिट्ठी, सुमिता नंदन पंत की चिट्ठी, और मैं एक भूल रही हूँ नाम अभी भी दिमाग में, सब की चिट्ठियाँ लेमिनेटेड करके रखे हैं, और उनकी चिट्ठियाँ कुछ कुछ जो पुरानी लौट के आई हैं कुछ इतने मोती जैसे अक्षरों में, और कहीं भी फ्रेजेस मिलते थे या किताबों में कोई अच्छा अंश मिलता था वो उनकी हाथ की राइटिंग में इतनी डायरियाँ हैं इतनी, जिनमें सब लिखा हुआ है सुंदर सुंदर अंश, उसको पढ़ो तो विचार परिवर्तन होने लगता है, इतना अच्छा अच्छा चीज अच्छी अच्छी चीज उसमें लिखी हुई। तो जाना कुछ मामले में सार्थक हुआ। अनेकों ऐसी भावों की वेदनाएं और भाव जुड़े हुए हैं शरद भाई के साथ, उनके जितनी उनको मतलब गणना की जाए कम है। और मेरे ख्याल में मुझे अगर किरण भाभी चाहें तो इन संकलनों के आधार पर एक उनकी बायोग्राफी लिख सकती हैं, ये बहुत अच्छा रहेगा अगर आप संकलित करके लिखें। ये मेरा सुझाव है, विनम्र सुझाव है, आगे निर्णय आपके ऊपर है।
और मैं चाहूंगी कि उसका जो फॉरवर्ड है, जो प्राकथन है, वो श्री अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी जी लिखे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मतलब ये मेरा सिर्फ सुझाव है, आप लोग निर्णय करें जैसा करें। इसी कड़ी में हमारे जो आज के इनॉग्रल लेक्चर के मुख्य अभ्यागत स्पीकर साहब हैं विद्वान डॉक्टर कल्लोल घोष जी, उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। वो भी एक बहुत बड़े स्कॉलर रियली पर्सन है और वो अभी प्रोफेसर एंड हेड की तरह समय के अभाव के कारण है ना, क्योंकि नहीं तो सामान्यतः तो चीफ गेस्ट सबसे लास्ट में हम लोग को आशीर्वाद देता है, लेकिन वीसी साहब अत्यंत व्यस्त हैं, उन्होंने अपना अमूल्य समय निकाला और इतने पूर्ण भावों के साथ हम लोग के साथ जुड़े, इसके लिए हम सभी लोग आभारी हैं। कल्लोल साहब का मैं परिचय और उन्हीं के से मैं बाद में दूंगी सर, और आपका लेक्चर हम लोग सब सुनेंगे। लेक्चर का जो विषय है वो बहुत ही रोचक है, इंटरफेस ऑफ केमिस्ट्री विथ लाइफ साइंसेज एंड मटेरियल साइंसेज, ये सब्जेक्ट है। आदरणीय इस महाविद्यालय के और ये महाविद्यालय जिस विश्वविद्यालय के अंतर्गत अब आता है, शहीद नंद कुमार विश्वविद्यालय रायगढ़, उसके जो प्रथम कुलपति हैं प्रोफेसर LP पटेरिया जी, वो भी मूर्धन्य विद्वान है अपने सब्जेक्ट के। छोटे में सिर्फ बताऊंगी कि सन 88 से इन्होंने अपना कैरियर शुरू किया झांसी से, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद फिर 89 में ये घासीदास यूनिवर्सिटी आ गए, और यहाँ पर जो इन्होंने मैनेजमेंट स्टडीज का डिपार्टमेंट संभाला, उसके बाद उसमें उसको बनाना, उसमें ग्रांट लाना, उसमें सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस करना, ये सारा काम पटेरिया जी के उसमें हुआ। और चलते 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 विश्वविद्यालय जब सेंट्रल हो गया, केंद्रीय विश्वविद्यालय हो गया, उसके बाद भी उनने बहुत भारी भारी जिम्मेदारियां वहां निभाई हैं, जिनमें से एक जिम्मेदारी है NAC कोऑर्डिनेटर की। दूसरी जिम्मेदारी जो मुझे याद है, समय ज्यादा हो रहा है इसलिए कम में बता रही हूँ, नहीं तो मैं उनके बारे में बहुत कुछ बता सकती हूँ। और एक जिम्मेदारी उनकी थी वार्डन, यूनिवर्सिटी का वार्डन होना कोई मामूली बात नहीं है, तो वार्डन वाली उनने पोस्ट को संभाला। मैनेजमेंट स्टडीज के को बहुत सुचारू रूप से चलाने के लिए नए नए कोर्सेस लाना, किस प्रकार से उसका इंफ्रा को डेवलप करना, कहाँ से ग्रांट्स लाना, इस सब में उनका बहुत भारी योगदान रहा। प्रोफेशनल बॉडीज में तो वो है ही हैं, जो अपने सब्जेक्ट की प्रोफेशनल बॉडीज होते हैं, बहुत सारी जगह के वो एडवाइजर हैं, और उसके अलावा पब्लिकेशंस उनके 50 से ऊपर हैं, कभी इंटरनेशनल नेशनल जर्नल्स में। और इस सब के अलावा जो उनकी एक बात है वो ये है कि मैनेजमेंट की कॉम्प्लेक्सिटीज को सरल रूप में हमारे रोजमर्रा के जीवन के उदाहरणों से कैसे छात्रों को पहुंचा देना, कैसे पढ़ा देना, इसमें उनकी मास्टरी है। ही इज ए वंडरफुल टीचर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, स्पेशली मार्केटिंग। और कितने सरल हैं आप उनको देख से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि वो कितने सरल हैं। तो नाम स्वनाम धन ललित प्रकाश पटेरिया जी, मुझे माफ करेंगे सर, ललित प्रकाश पटेरिया जी, ललित मतलब जो बहुत सुंदर है और जो प्रकाश फैला रहा है, तो ऐसे ललित प्रकाश फैलाने वाले पटेरिया जी को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बड़ी बहन बीना पानी दुबे मैडम जी, आपने कुछ ज्यादा ही बोल दिया मेरे बारे में। मैं बहुत साधारण सा छात्र हूँ। आज के हमारे बड़े भाई डॉक्टर शरद चंद्र वाजपेयी जी कि उनकी स्मृति में ये जो लेक्चर आयोजित किया गया इस महाविद्यालय द्वारा, उस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि परमादरणीय
आचार्य अरुण दिवाकर नाथ जी, माननीय कुलपति अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, शरद वाजपेयी जी की सहधर्मिणी आदरणीय भाभी श्री डॉक्टर प्रोफेसर किरण वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रोफेसर होता जी, रायपुर विश्वविद्यालय से आए आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर घोष साहब, हमारे बड़े भाई विवेक जोगलेकर जी, इस महाविद्यालय की गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन भाई वीरेंद्र तिवारी जी, उल्लास वारे जी, गरिमा तिवारी जी, मैडम गोयल जी तिवारी मैडम, अनुपस्थित सभी शिक्षक एवं छात्रगण। जैसा हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि वाजपेयी जी के व्यक्तित्व के बारे में वो सब बिल्कुल सही बताया है, बहुत कुछ बातें जो हमारे आदरणीय वाजपेयी सर ने बताई उनको छोड़ के, क्योंकि मैं उनका साक्षी नहीं रहा हूं, बाकी की चीजें मैंने स्वयं देखी हैं। सीएमडी कॉलेज बहुत बड़ा कॉलेज हमारे गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का शुरू से ही रहा है। जब 89 में मैं यहाँ आया तब से ही सीएमडी कॉलेज की व्यापकता का अनुभव हमको है। केमिस्ट्री विषय हमारे यहाँ गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में नहीं था, जब केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने के बाद उसको खोला गया तो प्रारंभिक तौर पे जो मदद हमको विश्वविद्यालय को मिली वो शरद वाजपेयी जी के माध्यम से ही मिली, क्योंकि सीएमडी कॉलेज बड़ा कॉलेज था और उसके आप बहुत वरिष्ठ प्राध्यापक थे और शिक्षण और के प्रति उनका लगाव था। वो कभी ऐसा फील नहीं किए कि मैं इतना सीनियर हूँ शहर से आऊंगा को नहीं आऊंगा, ये कभी उन्होंने फील नहीं किया। इसके बाद दूसरा नजदीकी से उनसे मेरा मिलने हुआ, जब सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय बना तो उसके फर्स्ट रजिस्ट्रार वो हुए और जो फर्स्ट वाइस चांसलर वहाँ थे आदरणीय टी डी शर्मा जी, चूंकि वो हमारे गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से ही आए थे और हम उनके जूनियर होने के नाते उनके कार्यों में लगे रहते थे, तो वो प्रारंभिक मदद के रूप में हमको भी सुंदरलाल शर्मा में काफी दिन मैंने काम किया। शुरू के दौर में टी डी शर्मा साहब थे और वाजपेयी जी थे और अनऑफिशियली मैं था, धीरे धीरे उनका कारवां भी आगे बढ़ा। तो एक विश्वविद्यालय को प्रारंभिक तौर पर कैसे स्थापित किया जाना है उसका अनुभव मुझे मिला वहां पर दोनों शर्मा जी और वाजपेयी जी के साथ काम करने का, उसका लाभ मुझे आज एक नए विश्वविद्यालय को स्थापित करने में मुझे मिल रहा है। मैं इसलिए आदरणीय वाजपेयी जी का ऋणी रहूंगा कि उनकी जो कार्यशैली है स्पष्टवादिता है और मेहनत तो बड़ी घनघोर, सुबह 8 बजे से वो टी डी शर्मा जी के आ जाते थे और रात के 9-10 बजे तक रहते थे, वो हमसे उम्र में काफी सीनियर थे, तो मैं ये सोचता था कि इस उम्र में इतना काम करते हैं तो हमारी उम्र में कितना काम करते रहे होंगे। फिर और कई मौकों पर मेला उनसे मिलना जुलना रहा, बीच में थोड़ा हम नहीं मिल पाए लेकिन संयोग फिर से हमारा जुड़ा, शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय बना और मैं उसका प्रथम कुलपति नियुक्त हुआ और पामगढ़ ये कॉलेज हमारी क्षेत्राधिकार में आया। मैं यहाँ पर 2 बार उससे तब आया, तब वाजपेयी जी यहाँ प्रिंसिपल हुआ करते थे और तब से मिलके उनसे मेरा बड़ा स्नेह पूर्वक मिलन हुआ। उनका व्यक्तित्व वास्तव में बड़ा है, विराट है और उसको 2 शब्दों में या जैसा मैडम बोल रही थी हमारी दीदी कि उसको किताब लिखें, तो उसके व्यक्तित्व को 2 शब्दों में बोलना या किताब में लिखना संभव नहीं है, लेकिन ये निश्चित रूप से ऐसे प्रयास हैं जो कि आने वाली पीढ़ी को उनके व्यक्तित्व के बारे में बताएंगे और उस उनके
जीवन से ये नई पीढ़ी जो है प्रेरणा लेगी और अपना जीवन संवारेगी। जैसा हमारी आदरणीय दीदी ने कहा कि ये जो चैतन्य महाविद्यालय है, शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय का सबसे अच्छा महाविद्यालय होगा, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। आप लोग बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। मेरे ख्याल से मेरा यहाँ तीसरा चौथी बार आना हुआ इस महाविद्यालय में। आपके किए जा रहे प्रयास निश्चित रूप से सराहनीय है, लेकिन कोई चीज कभी पूर्णता में नहीं होती है, इसलिए हमेशा उसमें सुधार की आवश्यकता होती है। आप आगे बढ़ें, विश्वविद्यालय के रूप में आपको जो जो मदद चाहिए हो इस दिशा में कार्य करने के लिए, मैं आश्वस्त करता हूं कि विश्वविद्यालय अपना कार्य निश्चित रूप से आपकी मदद करेगा। आपने जब वीरेंद्र तिवारी जी ने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा सर कार्यक्रम रख रहे हैं, तो मैंने कहा कि और कौन आ रहे हैं, तो बताया सर के बारे में, तो मैंने कहा कि वो बिल्कुल ही उपयुक्त हैं, क्योंकि शरद वाजपेयी जी के बारे में भाभी के अलावा अगर कोई यहाँ सबसे ज्यादा जानते हैं तो कुलपति महोदय हैं। तो वो बिल्कुल आपने सही निर्णय लिया, और मेरा भी बड़ा सौभाग्य है, आपका तो है ही है कि आपने उनको ऐसे बड़े व्यक्तित्व को अपने माने महाविद्यालय में उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया है। मेरे को भी बीच बीच में उनका मार्गदर्शन और स्नेह प्राप्त होता रहा है, इस नाते मैं भी अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ। और जैसा हमारी दीदी ने कहा कि ये खत्म नहीं होनी चाहिए परंपरा, चीजें शुरू हो जाएं और अगर उसको ना चला पाए तो वो अच्छी बात नहीं है। ये ऐसा मैं अपेक्षा करता हूँ इस महाविद्यालय के प्रबंधन से कि ये एक कंटिन्यूस एक्टिविटी रहे, हर साल आप 8 अक्टूबर को इसको बनाएं। देश के बढ़िया से बढ़िया, जो जैसे आपने कल्लोल घोष साहब को बुलाया, ऐसे बड़े विद्वानों को आप बुलाएं, आपके छात्रों को भी लाभ होगा, आपकी फैकल्टी को भी लाभ होगा। क्योंकि सर की व्यस्तता है तो उस कारण से थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है कार्यक्रम में। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए पुनः अपने श्रद्धा सुमन शरद वाजपेयी जी को समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आदरणीय प्रोफेसर कल्लोल घोष साहब का परिचय मैं सर आप प्रोफेसर हेड है, और उसके बाद एक मिनट में इसको थोड़ा सा वो करते हुए अतिथियों को जाना है, इसलिए उनके सम्मान के लिए हम लोग एक टोकन ऑफ लव के रूप में कुछ स्मृति चिन्ह देना चाहते हैं। उसके लिए मैं संचालक श्री वीरेंद्र तिवारी जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे मोमेंटो से श्री वीसी साहब वाजपेयी जी का, और साथ में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी है ना, तो मोमेंटो और साल श्री फल से उनको स्मृति चिन्ह के रूप में एक टोकन ऑफ लव के रूप में प्रदान करें। आदरणीय वाजपेयी जी, वीसी अटल बिहारी यूनिवर्सिटी बिलासपुर। आदरणीय पटेरिया जी, वीसी शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी रायगढ़ के सम्मान हेतु फिर मैं संचालक महोदय से निवेदन करती हूँ, कृपया साल श्रीफल और स्मृति चिन्ह दें।
कार्यक्रम की स्पेशल गेस्ट आदरणीय किरण मैडम के लिए भी उनके सम्मान में स्मृति चिन्ह भेंट करें। कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता प्रोफेसर कलोल घोष के सम्मान हेतु भी आप सादर आमंत्रित हैं। फॉर्मल धन्यवाद। हाँ सर, सर मुझे क्षमा करेंगे, मुझे क्षमा करेंगे, आदरणीय होता सर के सम्मान के लिए भी उनको स्मृति चिन्ह, मुझे माफ करेंगे सर, सर माफ करेंगे, भूल हो गई। कभी कभी हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है, उसके कारण ऐसा हुआ, क्षमा करेंगे सर। सामान्य रूप में आभार प्रदर्शन डॉक्टर गुप्ता को करना था, लेकिन चूंकि अभ्यागतों को जाना है इसलिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ आप सभी का। माननीय महोदय डॉक्टर वाजपेयी जी सर, डॉक्टर ललित प्रकाश पटेलिया जी के प्रति मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आपकी गरिमामय उपस्थिति से हम सबका बहुत ही प्रोत्साहन हम सबको मिला है, बहुत बहुत आभार, सादर प्रणाम। थैंक यू डॉक्टर गुप्ता, थैंक यू। आई एम जस्ट कमिंग एंड वी विल बी हियरिंग ए वंडरफुल लेक्चर ऑफ प्रोफेसर कलोल घोष ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटरफेस ऑफ केमिस्ट्री विथ लाइफ साइंस एंड मटेरियल साइंसेस। एक मिनट सर, मैं गुड आफ्टरनून। क्योंकि समय बहुत हो चुका है एंड यू ऑल आर टायर्ड, सो आई विल ट्राई टू फिनिश माय लेक्चर विद इन 40 मिनट्स और 30 मिनट्स। रेस्पेक्टेड, क्योंकि वाइस चांसलर सब चले गए हैं, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कृपा करके थोड़ा शांत रहेंगे, मैं समझता हूँ क्योंकि 12 बजे से 3 बजे तक आप लोग बैठे हैं और आपको सुनने के लिए हो सकता है थोड़ा तकलीफ होगा, बट एनी वे आई विल ट्राई टू फिनिश विद इन द टाइम। सो आई डीम इट ए रियली ग्रेट प्लेजर एंड ऑनर टू बी पार्ट ऑफ दिस वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर ड्यूरिंग द फर्स्ट commemoration lecture in the loving memory of a great, I should not say scientist, but a great man, Professor Sarad Kumar Vajpayee. Sarvapratham, I would like to congratulate this Chaitanya Science and Arts College for organizing this type of commemoration lecture. When I received a telephone call of one of the colleague of your this college, Mr. Narendra, so I was a little bit confused that what should I speak about this function, but I have no words to express my deep sense of gratitude
टू दिस कॉलेज फॉर गिविंग मी ए, मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक मुझे गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिया, सो देयरफॉर आई एम रियली ग्रेटफुल द कॉलेज अथॉरिटी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. अभी आप लोगों ने करीब 2 घंटे से यू हर्ड अबाउट द लाइफ एंड academic achievements of this great man, and for the last 30 years I have been also associated with Professor Bajpai. And mere vyakhyan shuru karne se pehle main in Professor Bajpai ji ko I pay my humble tribute to him. And jaisa ki aapne suna जो आज की तारीख में मैं भी करीब 30-35 साल से इस टीचिंग प्रोफेशन में हूं, और आज मैं इसको महसूस करता हूं कि आप कितने भी बड़े विद्वान हो जाए, आप कितने भी बड़े साइंटिस्ट हो जाए, अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं तो आपको कुछ नहीं होगा. शरद वाजपेयी न केवल एक वैज्ञानिक थे, एक बहुत ही अच्छे इंसान थे. उस समय जब घासीदास यूनिवर्सिटी नहीं बना था, I joined as a lecturer in a college early 1980s, 83 के आसपास. उस समय सारे विश्वविद्यालय रविशंकर के अंदर ही आता था बिलासपुर, और उसी नाते प्रोफेसर वाजपेयी साहब के साथ हमारा कई बार मुलाकात होता था. एंड वन ऑफ द कॉमन फीचर्स ऑफ प्रोफेसर वाजपेयी एंड मी, आई एम ऑल्सो ए फिजिकल केमिस्ट, जिसको आप लोग भौतिक रसायन बोलते हैं. And most of my research is related to chemical kinetics. And he was also a physical chemist. And he has done a lot of work in the area of reaction mechanism. He has done a lot of work on water. He has done a lot of work on phytochemistry. मुझे याद है जब मैं उनसे आखिरी बार मुलाकात हुआ था, आई वॉज अटेंडेड वन पीएचडी भाईवा एट सेंट्रल यूनिवर्सिटी, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी, रिगार्डिंग दिस वार. उसी तरह से प्रोफेसर वाजपेयी साहब के साथ हमारे एसोसिएशन है. तो मुझे ये आई हैव नो वर्ड्स कि मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उन ऐसे महान वैज्ञानिक और शिक्षक और एक अच्छे इंसान के बारे में मुझे पहला कम्मेमोरेशन लेक्चर देने का मौका मिला. अब मुझे विश्वास हो रहा है कि मैं 30-40 साल से इस फील्ड में हूँ छत्तीसगढ़ में, शायद ये पहला बार कोई रसायनज्ञ या टीचर्स के बारे में कम्मेमोरेशन लेक्चर हो रहा है, और इसके लिए चैतन्य कॉलेज को जितना ही ज़्यादा साधुवाद दिया जाए वो कम है. जब मैं इनका टेलीफोन प्राप्त हुआ, एंड देन आई रिसीव्ड अ टेलीफोन फ्रॉम फॉर द कन्वीनर, ए वेरी सीनियर प्रोफेसर, प्रोफेसर बीनापानी पांडे मैडम, बीनापानी दुबे मैडम, एंड सी आस्क्ड मी अबाउट द टाइटल ऑफ योर टॉक. फिर मैं कंफ्यूज हो गया, क्योंकि अगर मैं जिस तरह से आपने अभी लेक्चर सुना, आपने देखा होगा कि आज की तारीख में जो वाजपेयी साहब का हमेशा इंस्पिरेशन, मोटिवेशन एंड पैशन फॉर डूइंग साइंस एंड लव फॉर द सोसाइटी एज वेल द लव फॉर द इंस्टीट्यूशन. मुझे ये पहली बार इस कॉलेज में आने का मौका मिला, इसके पहले मैं एक सिलेक्शन कमिटी में जरूर देखा था, मैं नाम सुना था, पर आज आके मुझे महसूस हुआ कि व्हाट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ the last principal of that college, Professor Bajpai. Mere research activities ko dekhenge, so we have done a lot of work. Jaisa Bajpai sahab ne bhi ek bahut famous kineticist, Professor R.C. Kapoor, Jodhpur University mein mujhe jane ka bahut bar mauka mila. Wahan bahut bade bade physical chemist the, Professor K.K. Banerjee, Professor R.C. Kapoor, abhi Pradeep Sharma, there are so many persons. So I have started my work regarding the chemical kinetics. I have done very simple reactions. Then gradually I have shifted some biological reactions.
some enzymatic reactions. Then we have developed some of the super nucleophiles for detoxification of toxic chemicals. But if you ask me, ab aap kya kar rahe hain? What is your present? So I should say, I do not know how many participants are having the science background. I thought they are the mixed audience. You may not be aware of the material science. You may not be aware of the chemical biology. So now I am concentrating on some material science, quantum dots, and other things. And of course, किसी भी research कार्य करने के लिए बहुत सारे funding agencies की जरूरत पड़ता है. So I am grateful to Department of Science and Technology. I am grateful to CSIR. I am grateful to the University Grant Commission for that gas. और जैसा कि हो सकता है यहाँ पे वाजपेयी साहब के बहुत सारे research scholar सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे. And you know that, जैसा कि मैडम ने बताया कि उनको मौका नहीं मिला. आज अगर वो यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट में होता, जैसा मैं 1987 से करीब 35 साल से मैं यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट में हूँ, एंड आई हैव गॉट ऑल टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज, बट क्रेडिट गोज टू योर इंस्पिरेशन. सो फार 31 स्टूडेंट्स, तो इसलिए गर्व होता है जब जहाँ पे यहाँ वाजपेयी साहब के, मैडम भी वाजपेयी साहब के स्टूडेंट हैं, ऐसे जो जो हम लोग काम करते हैं रिसर्च, जो हम लोग नहीं करते हैं, दीज स्टूडेंट्स. तो 31 स्टूडेंट्स हमारे साथ पीएचडी कर चुके हैं. एंड आई एम गिविंग सम ऑफ द ओनली सम एग्जांपल्स दोज, बिकॉज टीचिंग इज ए नोबल प्रोफेशन. ये वाजपेयी साहब एक बहुत अच्छे टीचर भी थे. तो मैं कुछ ऐसे फोटोग्राफ दिया हूँ जो, जैसा कुछ घासीदास यूनिवर्सिटी में टीचर हैं, कुछ हमारे विश्वविद्यालय में टीचर्स हैं. दे आर ऑल, मोस्ट ऑफ द फोटोग्राफ्स आर द टीचर्स. एंड वी आर लकी दैट वी हैव चोजन द केमिस्ट्री रसायन, एंड दैट इज आई शुड से इट इज अ म्यूजिक ऑफ नेचर. आप थोड़ा सा आंख बंद करके सोचेंगे, कुछ एलिमेंट्स हैं 105 और 106, बट विद दोज एलिमेंट्स हमको इनफाइनाइट ब्यूटी ऑफ द यूनिवर्स में आते हैं. अभी ये बात हो रहा था कि वाजपेयी साहब ने जो काम यहाँ करके गए हैं, इट इज द ड्यूटी ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स, वेदर यू आर स्टूडेंट, वेदर वीरेंद्र तिवारी जी और गरिमा तिवारी जी और इवन मैडम दुबे, टू सस्टेन दैट क्रिएटिविटी, उसको वर्तमान को खराब किए बिना उसको सस्टेन करना है. एंड आज की तारीख में मैं अगर आपसे पूछूंगा कि हु इज द चैंपियन ऑफ द सस्टेनेबिलिटी, नन अदर देन मोहनदास करमचंद गांधी. और आप सोचेंगे आज मैं अचानक मोहनदास करमचंद गांधी के साथ एक और दूसरे वैज्ञानिक का फोटो दे रहा हूँ, ही इज मेंडेलीव, जो अगर केमिस्ट्री का अगर स्टूडेंट है. दोनों में क्या सामंजस्य है? वन इज फादर ऑफ द नेशन, यू नो, फादर ऑफ द नेशन, एंड अनदर इज द फादर ऑफ द पीरियोडिक टेबल. दूसरा, मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म तो अक्टूबर 1869 में था, एंड मेंडेलीव इज ऑल्सो discovered the periodic table, and we also celebrated the 150 years of Mohandas Karamchand Gandhi. And whatever the world, it is based on water. We are talking about the water pollution. Vajpayee sahab ne kafi kaam Arpa Nadi water pollution mein kiya. Regarding the air pollution, oxygen and other things, these are the actual chemistry. I'll shortcut me jaunga. And ultimately, why this Chaitanya College is organizing, why? If you see this most important reaction of nuclear chemistry, just we are trying, itne bade vaigyanik vidwan, do kulpati jis program mein aapke samne the, madam, itne sare log hum log kyon aaye, main itna dur se 8:30 baje main nikla hu wahan se, 8:30 baje raipur se, aur rasta aap jante hain kitna acha rasta hai, lavan hote hue main aaya hu, 3.5 ghanta 4 ghanta lag gaya. Why? Because I thought that if I am able to initiate with the memory of that great man, great human being, then enormous amount of energy will be evolved. Aap sab jante ki uranium is a precious metal, but unless until that uranium is initiated by a spark, aise jo
व्यक्तित्व हैं, ये लोग स्पार्क है, स्पार्क है मतलब इनको आपके साथ इंटरेक्शन कराते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड द सस्टेनेबिलिटी। हम लोग इस काम को आगे बढ़ाएं। एंड अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, वट एवर वी आर डूइंग, इतने साल रिसर्च करने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि वट थिंग्स आर डूइंग, इट शुड बी रीच टू द अनरीच मैस, वेदर यू आर डूइंग इन द लैब, बट इट शुड बी कनेक्टेड विद द लैंड, वेदर यू आर वर्किंग ऑन द एग्रीकल्चर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट इट शुड बी रिलेटेड विद द सोसाइटी। विज्ञान तो यूनिवर्सल है। इफ आई एम डूइंग सम एक्सपेरिमेंट इन योर पामगढ़ कॉलेज केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, एनी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऑर्डर विल नॉट बी चेंज, बट माई वर्क शुड बी रिलेटेड टू द सोसाइटी। इसको हम लोग बोलते हैं विज्ञान सार्वभौमिक है, लेकिन प्रौद्योगिकी जो है वो स्थानीय होना चाहिए, एंड डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर। साइंटिफिक टेम्पर का ये मतलब नहीं है कि मैं बहुत बड़ा वैज्ञानिक हूँ। हाउ टू बिहेव विथ योर पेरेंट्स, हाउ टू बिहेव विथ योर टीचर, हाउ टू डू डेली वर्क, दैट इज कॉल्ड द साइंटिफिक पैशन। तो हम लोग ये जो आज प्रोग्राम कर रहे हैं इसको डेवलप करने के लिए। देखिए, मैं आपको, मेरा जो टाइटल है वो है केमिस्ट्री एट द इंटरफेस ऑफ बायोलॉजी एंड मेटेरियल साइंस। यू नो यू आर स्टेइंग इन द छत्तीसगढ़, एंड छत्तीसगढ़ इज वेरी फेमस फॉर भाजी, बोहार भाजी, नुनिया भाजी, चुरचुराइया भाजी, देर आर सो मेनी 36 टाइप्स ऑफ भाजीज। नाउ सी दिस यंग जेंटलमैन, इज प्रोफेसर कमलेश श्रीवास, ही वॉज रीडर इन द गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी, नाउ ही इज प्रोफेसर एट आवर यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट। यू सी ही इज अ वेरी गुड एनालिटिकल केमिस्ट, बट यू सी ही इज डूइंग द रिसर्च वर्क रिलेटेड टू द डिटर्मिनेशन ऑफ वाइटामिन्स इन डिफरेंट छत्तीसगढ़ भाजी एंड अदर थिंग्स, एंड ही गॉट वेरी गुड रिकॉग्निशन एंड वेरी गुड पब्लिकेशन। Another my student, Dr. Manmohan Lal Satnami. Now these are very recent paper working on pesticides. Agar gaon mein ya kheti mein aapke paas koi pesticides hain, so how to use that pesticides with the help of nanomaterials and nanoparticles. This is another young chap, that is Indrapal Kharwal. Main janbujh ke aise example aapke samne rakh raha hoon, जो इस तरह से काम करते हैं, जो आपके सोसाइटी के लिए बेनिफिट है, जो हम मेटेरियल साइंस को भी यूज करते हैं। यू ऑल नो दैट इन मोबाइल वी आर यूजिंग सम लिथियम बैटरी, लिथियम आयन बैटरीज, बट नाउ आई आर ट्राइंग टू डेवलप सम ऑफ द सोडियम आयन बैटरीज ऑल्सो, वी विश टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ दैट टाइप ऑफ बैटरी एंड स्टेबिलिटी। सो दैट यंग जेंटलमैन इंद्रपाल खरवाल, शी इज वर्किंग ऑन दिस थिंग्स। एंड मैं आपको बोलूंगा कि थोड़ा बाहर भी निकलिए, यू मस्ट गो टू सम बिग इंस्टीट्यूशन, लाइक इफ यू गो टू द आइजर पुणे, जैसे आप आइजर पुणे में जाएंगे तो आप देखेंगे वहां पे लिखा हुआ है टुमारो साइंस बिगेन टुडे। मैं नहीं जानता हूँ इतने जो बच्चे आप लोग बैठे हुए हैं कितने कल वैज्ञानिक बनेंगे, ये कल कितने इस कॉलेज का ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे, बट हमेशा बड़ा सोचिए कि यस आई शुड डू, जैसा मैडम ने बताया कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी से अगर हम काम करेंगे। और आपने देखिए ये जो फोटोग्राफ्स मैं हर जगह में इसलिए दिखाता हूँ, इट इज द फोटोग्राफ्स ऑफ सम यंग लेक्चरर ऑफ आवर यूनिवर्सिटी, एंड दैट इंक्लूड्स, क्योंकि आज की तारीख में मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च का जमाना आ गया। डोंट थिंक दैट आई एम ए मैन ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, मैडम इज बॉटनी, समबडी इज वर्किंग ऑन जियोलॉजी, समबडी इज वर्किंग ऑन द बायोटेक्नोलॉजी, so cross fertilization is very necessary, and here you will find this person is from pharmacy department, this person is from chemistry department, this person is from biotechnology department, this person is from economics and management, and so they are not doing the morning work. Aap log sochte honge ki ye log morning work kar rahe hain, yes they are doing the morning work, but in addition to that they are doing some interdisciplinary science and other things, and so therefore,
And now it is the need of the present day. If we are talking about this old age, now everybody has to do some biological work, because without biological work you can't survive. And you all know that in chemistry there is a James Bond. His name is Jean Louis, and he discovered this chemical bonding. बहुत पुराना बात नहीं है. Only in 1916 he developed this bonding. So without bonding we can't do anything. And what is the definition of biology? हम बोलेंगे बिल्कुल मैं biology को chemistry से बिल्कुल अलग नहीं मानता हूँ. Because at the molecular scale of biology is nothing but the chemistry. So there must be some very good relationship between biology and chemistry. And material science plays a very significant role for doing very advanced quality of the research. Now, if some physics students are here or chemistry students are here, from the BSc level, you are studying the hydrogen atom and hydrogen molecule reactions. And this, see that gentleman, his name is Martin Karplas. आपने अगर अच्छे किताब पढ़े होंगे एमएससी में, तो ये Karplas reaction हम लोग पढ़ते हैं, hydrogen atom and hydrogen molecule. इससे simpler कोई reaction नहीं होता है. And he is a student of Linus Pauling, जिनको दो बार Nobel Prize मिल चुका था. At the age of 83, सोचिए 83 की एज में मार्टिन Karplas गॉट नोबेल प्राइज इन द केमिस्ट्री. आप सोचेंगे अरे ये तो हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में काम कर रहे थे 50 साल तक, तो इनको नोबेल प्राइज तब मिला जब ही यूज दैट टेक्निक फॉर बायोलॉजिकल रिएक्शंस टू शो द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, बिकॉज यू नो प्रोटीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. So now you can understand that chemistry and the role of biology. Abhi 3 days pehle ki baat hai, 5th of October, you all know that Nobel Prize of the Chemistry has been declared. Ye 3 days pehle ki baat hai. And three scientists, one is a lady, Carlon Batrosi, University of Stanford, aap jante hain, US ka bahut bada university hai. And Martin Mendel, and third is, मैं इसको ज्यादा दिखाना चाहता हूं, प्रोफेसर बेरी Sarpless. एंड बेरी Sarpless हैज डन लॉट ऑफ वर्क ऑन द क्लिक रिएक्शन. मतलब जैसा कोई एरीन है, एजाइड है, दोनों के साथ क्या कॉम्बिनेशन होता है. और बेरी Sarpless को 2001, आज से 20 साल पहले, अगर मैं आपसे पूछूंगा आप बता सकते हो कितने लोगों को दो दो बार नोबेल प्राइज मिला इन केमिस्ट्री सब्जेक्ट ऑल्सो. सो बेरी Sarpless अगेन, मतलब इन 2001 ही गॉट नोबेल प्राइज फॉर द केमिकल रिएक्शन. बट इन 2022, 3 days पहले, अगेन ही गॉट नोबेल प्राइज. फिर आप पूछेंगे सर क्यों केमिस्ट्री के साथ? यस, बिकॉज यू नो नाउ इट इज एवरीबडी इज कंसर्न अबाउट द कोविड प्रॉब्लम और वायरस प्रॉब्लम और वायरस अटैक. सो अगेन दे हैव यूज ऑफ दैट क्लिक केमिस्ट्री फॉर द सॉल्यूशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स ऑफ द वायरस एंड अदर थिंग्स, दैट इज कॉल्ड द बायो ऑर्थोगोनल रिएक्शंस. सो केमिस्ट्री इज एवरीवेयर. यू सी अगेन देयर इज अ पीरियोडिक टेबल, बट दे आर वर्किंग फर्स्ट इन ए बफर इन ए लैब, देन दे आर वर्किंग इन ए सेल, then they are working on the zebrafish, then mice, and ultimately they work for the human. So again it is related to the society, so you can understand with this. So with this preliminary introduction, I thought that it is a mixed audience aur 4-3 baje already, to main bahut zyada data aapko nahi bataunga. Main halanki banaya tha, mujhe nahi malum tha ki itna der se program chalega. जनरली साइंटिफिक प्रोग्राम में हम लोग IITs में और इन यूनिवर्सिटी में हम 10 बजे शुरू करते हैं .10. ये 2-3 का ऐसा समय होता है, ना आप ब्रेकफास्ट का टाइम है, ना आपका लंच का टाइम है, और 4 बजे मेरे को फिर जाने का टाइम हो जाएगा. तो मैं समझता हूँ आप लोग की तकलीफ. तो मैं बहुत संक्षेप में आपको बताऊंगा
कि मैं क्यों इस टॉपिक को चुना, केमिस्ट्री एट द इंटरफेस विथ बायोलॉजी एंड मेटेरियल साइंस। एंड अगर समय रहता, जैसे जनरली कमेमोरेशन लेक्चर एक घंटा का होता है, एक घंटा का लेक्चर होता है, हमें बहुत बार सौभाग्य प्राप्त, अभी सीएनआर राव साहब का आप लोग नाम लिए, हम लोग रायपुर के यूनिवर्सिटी, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली है कि सीएनआर राव 3 दिन तक केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में रहे और 2 लेक्चर दिए, मतलब सवेरे एक लेक्चर दिए फॉर द जनरल पब्लिक, सोचिए उनके एनर्जी, और दूसरा लेक्चर दिया उन्होंने शाम को। और वो हमेशा बोलते हैं कि दिमाग जो है एक घंटे से ज़्यादा नहीं, वो मैं आप लोग को देख के समझ रहा हूँ कितना तकलीफ आपको हो रहा होगा, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा आपका दिमाग नहीं खराब करूँगा, बहुत संक्षेप में मैं बताऊँगा दी रोल ऑफ केमिस्ट्री एंड दी बायोलॉजी, बट यानी ओशन इन ए टी कप। और फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं आऊँगा, जरूर आऊँगा मैं, और फिर मैं अच्छे से समय लेके आपको डिटेल्स केमिस्ट्री के बारे में, जिस कॉलेज की जो मैं स्थिति देखा मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और इंटरव्यू में मैं तो एक घंटे के लिए था, वीरेंद्र तिवारी जी से मुलाकात हुआ था, लेकिन मैं समझ नहीं पाया था कि रियली, बिकॉज न केवल मैं भारत का, मुझे मौका मिला सारे विश्वविद्यालय देखने का, मैं विदेशों में भी 10-12 देश का मैं भ्रमण कर चुका हूँ, तो मैं समझता हूँ कि व्हाट इज़ द सैंक्टिटी ऑफ ए कॉलेज, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ए कॉलेज एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ ए द गवर्निंग बॉडी ऑफ द कॉलेज, तो मैं आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट। तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके पास लूँगा, बिकॉज इट इज़ अ वेरी वेरी हार्ड केमिस्ट्री, बट अगेन आई विल नॉट डिस्कस द केमिस्ट्री बिकॉज आई नो दैट देर आर सम हिंदी मीडियम स्टूडेंट, देर आर सम इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, देर आर सम, कॉलेज में कोई प्रोग्राम होता है तो आर्ट्स वाले को भी बैठा दिया जाता है, ऐसा भी हो सकता है कुछ जिनको केमिस्ट्री वाले भी यहाँ नहीं होंगे, तो मैं एकदम हार्ड कोर केमिस्ट्री आपको बताऊंगा, दी क्वांटम डॉट्स, फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी, तो आप घबरा जाएंगे। तो मैं सिंपल बात आपको बताता हूँ कि रिसर्च कैसे इनिशिएट होता है और ओरिजिनल आइडियाज क्या होता है। आई थॉट दैट यू नो दैट देयर इज ए प्रॉब्लम दैट इज कॉल्ड द अल्जाइमर डिजीज। अल्जाइमर डिजीज ऐसा होता है कि जिसको हम लोग बोलते हैं बुढ़ापे का बीमारी। जब मैं यंग लेक्चरर था तो मैं जितना देर से पढ़ा सकता था, हो सकता आज मैं भूल जाता हूँ, आज मैं जो सोच के थे कि अभी सब लोग तो चले गए, मैं सबका नाम लिखा था, होता साहब कौन है, जोगलेकर साहब, सब मैं नाम भूल गया, मैं कागज में लिख के लाया। दैट इज वन टाइप ऑफ अल्जाइमर डिजीज। अब उस अल्जाइमर डिजीज एक मेडिसिनल प्रॉब्लम है। अब मैं हूँ केमिस्ट, वो भी फिजिकल केमिस्ट, यू नो मैथमेटिक्स एंड अदर थिंग्स, क्वांटम केमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, बट आई थॉट दैट आई शुड डू सम वर्क ऑन दैट अल्जाइमर डिजीज। सो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू हाउ केमिस्ट्री इज यूजफुल फॉर स्टडिंग दैट अल्जाइमर डिजीज। एंड सेकेंड पॉइंट इज दैट रिसर्च एंड टीचिंग अपॉर्चुनिटीज वेयर यू आर। आप सोचेंगे मैं पामगढ़ कॉलेज में बैठा हूँ, हो सकता है आप कोरिया जिला का एक छोटा सा कोई कॉलेज में हो आप, यू डोंट हैव फैसिलिटीज, यू डोंट कंपेयर विद द फैसिलिटीज ऑफ द पामगढ़ विद द IIT मुंबई और IIT कानपुर। लेकिन हमारा साइकोलॉजी ये बोलते हैं कि रिसर्च एंड टीचिंग अपॉर्चुनिटीज वेयर यू आर। अब उस CMD कॉलेज में बैठ के वाजपेयी साहब ने कितने लोगों को भला किया, जितना मैं कई उनके PhD थीसिस को इवेल्युएट किया, मुंद्रा साहब के साथ भी मैं जब दूसरे का होता तो मैं साथ में जाता था, मैं देखता था कि छोटा छोटा प्रॉब्लम बिलासपुर एरिया का, अरपा नदी का, एयर पोल्यूशन का, नदी के पानी का, फाइटोकेमिस्ट्री का, अलग अलग छोटे छोटे प्रॉब्लम, आई एम नॉट सेइंग कि दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। तो मैं सोचा कि इसको कैसे इसको सॉल्व किया जाए। अब मैं ये सब छोड़ देता हूँ, ये सब कोई मतलब नहीं आप लोगों को। मैं ये सोचा व्हाट इज द केमिस्ट्री ऑफ द अल्जाइमर डिजीज, कि अल्जाइमर डिजीज होने का कारण क्या है। इट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, इसमें कोई नया बात नहीं है। यू नो दैट देर इज ए डिपोजिशन ऑफ सम टाइप ऑफ प्रोटीन इन द ब्रेन, देर इज ए डिपोजिशन ऑफ सम टैंगल्स इन द ब्रेन, देर इज ए प्रॉब्लम इन द माइट्रोकॉन्ड्रियल, जो माइट्रोकॉन्ड्रिया जो होता है, फिर बायोलॉजी का टर्म्स आ गया, आई एम नॉट ए बायोलॉजिस्ट, उसको पावर हाउस बोला जाता था। ये एक प्रॉब्लम और है केमिस्ट से मुझे समझ में आया, दैट इज न्यूरोनल डीजेनरेशन। दैट मींस देयर इज ए, जैसा मैं बोल रहा हूं, मैं आपको देख रहा हूं, वन न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज कॉल्ड द एसिटाइल कोलिन व्हिच प्लेज दैट रोल। वो न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं, दैट कैरी द सिग्नल टू माय ब्रेन।
और ये भगवान ने ऐसा बनाया क्योंकि जो भगवान का जो सिस्टम है ना उससे बड़ा सिस्टम कोई नहीं है. व्हेन दैट न्यूरोट्रांसमीटर पास द सिग्नल टू आवर ब्रेन वन एंजाइम इज देयर दैट विल ब्रेक दैट एंजाइम, मतलब उसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं. तो वन ऑफ द रीजन अल्जाइमर डिजीज का ये रीजन पता चला कि देयर इज ए लॉस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एसिटाइल कोलिन इन आवर ब्रेन. सो एंड दैट इज द रीजन फॉर द अल्जाइमर डिजीज. तो एज ए लेमन आप क्या सोचेंगे, दैट मीन्स आई हैव टू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस एसिटाइल कोलिन इन आवर ब्रेन. तो अगर एसिटाइल कोलिन को ब्रेन में इंक्रीज करना है तो हमको क्या करना है, हमको एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज करना है. तो दैट इज माय ऑब्जेक्टिव. सो ये सब मैं छोड़ देता हूँ, ब्रेन ये भी सब छोड़ देता हूँ, ये भी छोड़ देता हूँ, मैं पॉइंट में आ जाता हूँ. सो माय पॉइंट इज दैट कभी भी आप लोग जब रिसर्च करेंगे तो आपका टारगेट शुड बी फोकस्ड, इधर उधर का मत सोचिए. आपकी जो भी आप छोटे से कॉलेज में हैं विथ योर लिमिटेड फैसिलिटीज, योर ऑब्जेक्टिव शुड बी स्पेसिफाइड. इट इज द फर्स्ट रूल्स ऑफ द रिसर्च. सो आई थॉट दैट आई हैव टू डेवलप ए इनहिबिटर्स दैट कैन सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एंजाइम. ओके, एंड बिकॉज दैट इनहिबिशन ऑफ दैट एंजाइम इज द फंडामेंटल थेरेपेटिक स्टेप. बट डोंट यू थिंक आई एम नॉट इन द अलोन पर्सन इन द वर्ल्ड जो कि इस काम को कर रहा हूँ. तो रिसर्च में क्या होता है, देन लार्ज नंबर ऑफ साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन दिस सर्च ऑफ ए बेस्ट इनहिबिटर्स विच कैन सप्रेस द. अब इसमें देखिए अब मेटेरियल साइंस का रोल कहाँ आता है, बायोलॉजी का रोल आ गया, ब्रेन के बारे में हमको जानना है, न्यूरो ट्रांसमीटर के बारे में जानना है, केमिस्ट्री का भी रोल आ गया, अब मेटेरियल साइंस का रोल कहाँ पे आ रहा है. होता यह है लॉन्ग बैक, मैंने बताया ना कि 30-35 साल से मैं रिसर्च कर रहा हूँ, 1987 से मैं यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट में हूँ. सो वी एंड आई एम ए काइनेटिसिस्ट, जैसा वाजपेयी साहब सवेरे काइनेटिक्स का काम करते थे, आई डिड लॉट ऑफ वर्क ऑन द एंजाइम एंड पैराक्सोन. अब देखिए केमिस्ट्री आ गया, बिकॉज यू नो दिट इज ए फॉस्फोनिल ग्रुप, इट रिएक्ट विद दिस हाइड्रोक्सिल सीरीन हाइड्रोक्सिल ऑफ द एंजाइम एंड दैट रिएक्शन इज कॉल्ड द फॉस्फाइलेशन रिएक्शन. And the activity of the enzyme is decreased. And if I want to increase the concentration of the enzyme, I need a dephosphorylating agent. Ye dekhiye. But what was the problem? Problem was that paraxon is a toxic chemical. Aap log gaon mein sune honge ki koi polydol pi ke suicide kar liya, ya koi saap kaat diya, bahut danger saap hota hai, usse bahut sare neurotoxic toxin hota hai. तो ओझा लोग आ जाते हैं, फूक झाड़ फूक कर देते हैं, आप लोग जिंदा हो जाते हो. दैट इज नॉट द साइंस. साइंस इज दैट ओझा लोग कोई झाड़ फूक नहीं करते हैं, उनके पास कोई डिटॉक्सिफिकेटिंग कोई पेड़ से कुछ ऐसे केमिकल्स निकालते हैं जो कि डीफॉस्फोराइलेटिंग एजेंट है, वो उस रिएक्शन को तोड़ देते हैं, अगेन द एंजाइम विल बी रिवाइव एंड पर्सन विल बी ठीक. तो विद दिस सिंपल टेक्निक, इसको हम लोगों ने बहुत साल काम किया, वी हैव पब्लिश लार्ज नंबर ऑफ रिसर्च पेपर्स, इसको हमने सोचा कि एंजाइम हमारा वही है, केवल हमारा तकलीफ है कि इट इज ए टॉक्सिक कंपाउंड. सो वी हैव टू यूज ए नॉन टॉक्सिक कंपाउंड और द ड्रग्स व्हिच कैन डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एंजाइम. ओके, नाउ माई फाइनल क्वेश्चन इज दैट how do I study that drug and that enzyme? Now material science usme aa gaya. Ab I will not discuss what is graphene quantum dots, whether it is a sp2 hybridized structure and what is the surface area of that graphene, and if I doped with that graphene to kaise uski fluorescence intensity, wo sab aapko janne ki zarurat nahi hai. आप ये जानिए कि एंजाइम और उस ड्रग के इंटरेक्शन को जानने के लिए वी नीड ए प्लेटफॉर्म, एंड देन द रोल ऑफ
मेटेरियल साइंस, जब आप एमएससी जाएंगे और एमएससी पास करेंगे या आपके स्मार्टफोन में कभी सर्च करेंगे व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ ग्राफीन क्वांटम डॉट्स, आई थिंक यू विल गेट मोर देन 1000 पेपर्स। केवल एक साल में 1000 से ज्यादा आपको रिसर्च पेपर दिखेगा। तो ये ग्राफीन, इसको मैं छोड़ देता हूँ, इसको भी छोड़ देता हूँ, इसको भी छोड़ देता हूँ। यस, नाउ अगेन इट इज केमिस्ट्री। नाउ व्हाई आई हैव चोजन दिस ग्राफीन क्वांटम डॉट्स, बिकॉज व्हाट आई हैव सीन दैट व्हेन आई जस्ट यूज दैट ग्राफीन, मेटेरियल साइंस का एक हाइब्रिड मेटेरियल भी आजकल बोलते हैं, एंड दैट शोज ए ट्रिमेंडस फ्लोरेसेंस कैपेसिटी, ट्रिमेंडस फ्लोरेसेंस कैपेसिटी शो करता है। बट व्हेन आई मिक्स विद दिस ग्राफीन विथ द एंजाइम देयर इज नो रिएक्शन, देयर इज नो चेंज। बट व्हेन वी ऐड दैट न्यूरोट्रांसमीटर, तो क्या हुआ, जैसे ही एंजाइम मिला है देयर इज अ हाइड्रोलिसिस, सो दैट प्रोडक्ट ऑफ द हाइड्रोलिसिस रिएक्ट विथ दैट ग्राफीन एंड इमीडिएटली द कलर, जैसा अभी आपको येलो दिख रहा है, देखिए ये येलो दिख रहा है और ये यहाँ पे कलरलेस हो जा रहा है, मतलब जैसे ही ये हाइड्रोलिसिस हो जा रहा है कलरलेस हो जा रहा है, और जैसे ही मैं हाइड्रोलिसिस को रोक रहा हूँ ये देखिए फिर ये कलर आ जा रहा है। दैट मीन्स इट जस्ट लाइक ए स्विच ऑफ एंड ऑन, सो इट कुड बी एक्ट एज ए बायो सेंसर। एंड आई थिंक दैट आपको हो सकता समझने में तकलीफ हो रहा होगा, क्योंकि इट इज अ मिक्स्ड ऑडियंस, ये साइंटिफिक लेक्चर है और एक कॉमेमोरेशन लेक्चर है, तो थोड़ा साइंस तो बताना ही पड़ेगा। तो आई एम सॉरी टू से आई कैनॉट सिंप्लीफाई, मैं कोशिश बहुत किया इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, हिंदी में बोलने की भी मैंने कोशिश किया, बट ये आप समझ जाइए। और इसमें अगर कोई एमएससी के भी स्टूडेंट है, एमएससी केमिस्ट्री के स्टूडेंट है, सो दे कैन वेरी इजीली अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट आप सोचेंगे कि मैं कोई बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, नो नॉट एट ऑल। एनी अंडर ग्रेजुएट लेबोरेटरी, एनी पोस्ट ग्रेजुएट लेबोरेटरी, ग्राफीन क्वांटम डॉट कैन बी सिंथेसाइज विदाउट एनी प्रॉब्लम। And if you have a spectrofluorimeter, so you can do all such type of work. But innovations and innovative ideas should be germinated. मतलब आपको सोचना चाहिए कि how I do my research. And then ये specific objective था. And you know the structure of the enzyme. Again, it is related to the biology and other things. And the problem was that basically We can purchase that enzyme from the market. We can purchase that neurotransmitter. आपके बॉडी में से तो मैं न्यूरोट्रांसमीटर नहीं निकालूंगा ना, तो मैं क्या करूंगा, मार्केट से खरीदूंगा। बट जब हम इसको पब्लिश करने जाएंगे तो हम बोलेंगे कि नो, यू हैव टू यूज दैट ह्यूमन एसिटाइल कोरिन स्ट्रीज। तो जो बायोलॉजी के टीचर यहाँ पे है, जो बायोटेक्नोलॉजी के अगर कोई टीचर है, दे कैन अंडरस्टैंड हाउ फ्रॉम ब्लड वी कैन एक्सट्रैक्ट दैट ह्यूमन एसिटाइल कोलिन स्ट्रीज। सो टू ऑफ माई स्टूडेंट डॉक्टर राहुल शर्मा, नाउ ही साइंटिस्ट इन द इंडस्ट्रियल हाइजीन गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़, एंड डॉक्टर अरविंद कुमार साहू, ही इज ए लेक्चरर इन सेंट थॉमस कॉलेज भिलाई, दे वॉलंटियर, उन लोगों ने अपना ब्लड दिया एंड वी कलेक्टेड दैट ह्यूमन एसिटाइल कोलिन स्ट्रीज, नॉट इन रायपुर। We went to DRDO, Defense Research Development Organization, Gwalior, and ultimately we got that type of drugs. And finally, ये तो हमारा हो गया, enzyme भी आ गया, graphene भी आ गया, सब कुछ हो गया। Now what is our need? Now we need some of that non-toxic compound which can suppress the activity of enzyme. जब भी हम कोई नया रिसर्च करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि व्हाट आर द प्रेजेंट स्टेटस, वी ऑलवेज थिंक इज ए नेशनल स्टेटस एंड इंटरनेशनल स्टेटस। अभी बाजार में कौन सा, अभी आप किसी मेडिकल स्टोर में जाएंगे, आप बोलेंगे मेरा अल्जाइमर हुआ है, मेरे दादाजी नहीं पहचान रहे हैं, चैतन्य कॉलेज में ले आएंगे तो बोलेंगे मैं कौन सा कॉलेज है, बोलेगा भूल जाएंगे। अभी मैं जैसा लंच करूंगा कि थोड़ी देर बाद बोलूंगा मैं तो लंच नहीं किया, तो बाजार में जाएंगे तो आपको दो ड्रग्स देंगे, वन इज टैक्रीन एंड इज डोनेपिजिल। सो इफ वी आर डूइंग सम रिसर्च, तो वी हैव टू डेवलप सम न्यू टाइप ऑफ ड्रग्स व्हिच कैन बी
यूजफुल इन प्लेस ऑफ टैक्रीन एंड डोनेफिजिन. तो हम लोगों ने ये तीन चार ड्रग लिया एंड आई टोल्ड यू दैट आई एम नॉट ऑर्गेनिक केमिस्ट, आई एम ए फिजिकल केमिस्ट. सो आई हैव टेकन द ड्रग्स फ्रॉम दिस प्रोफेसर एंड देन वी यूज दिस ड्रग्स. एंड ये भी आपको जानने की, जब मैं डेटा नहीं बताऊंगा, डेटा बताने से आप लोग का ऊपर से जाएगा. हाँ, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मैं आई रिक्वेस्ट द चैतन्य कॉलेज अथॉरिटी बिकॉज आई एम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, आई एम डायरेक्टर ऑफ द सेंटर फॉर बेसिक साइंस एंड वी हैव गॉट ऑल टाइप्स ऑफ फैसिलिटी. सो यू डोंट नीड एनी एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन एंड अदर थिंग. यू आर मोस्ट वेलकम टू कम टू द आवर यूनिवर्सिटी एंड हैव ए लुक द फैसिलिटीज वी हैव डेवलप्ड. तो ये आज की ये जो इतनी बड़ी प्रोग्राम आपने किया है, तो वाजपेयी साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि मेरा यही होगा कि मैं अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को मदद कर सकूं, कोई अगर रिसर्च कर रहा है, कोई अनुमति की जरूरत नहीं, आप केवल तिवारी जी का एक फोन मेरे पास या नरेंद्र जी का फोन मेरे पास भेज दें, कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, आप आ जाइए. दो डिपार्टमेंट का मेरे हाथ में है एंड देर आर ऑल टाइप्स ऑफ फैसिलिटी. वी हैव गॉट NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, वी हैव डायनेमिक लाइट स्कैटरिंग, वी कैन मेजर द साइज ऑफ द नैनो पार्टिकल्स, size of the materials, it must be less than 10 nanometer. We have got UV visible fluorescence to har jagah mein milta hai. We have got that Fourier transform. We have got steam and other things. So you are most welcome to visit our. We applied all such type of things. Ye dekhiye, maine aapko bataya na, koi bhi undergraduate lab mein graphene quantum dot banaya ja sakta hai. Humne thoda sa urea liya, ye dekhiye. Aur humne thoda sa ammonia liya, glucose liya. Just usko heat 30 मिनट्स, ये ओवन हर लैब में रहता है. सो ये हमारा क्वांटम डॉट बन गया. देन सेकेंड पार्ट इज दैट वी हैव टू डायलाइज दैट क्वांटम डॉट्स एंड कैरेक्टराइज इट. इफ इट इज नॉट प्योर, योर रिजल्ट विल नॉट बी वेरी वेरी गुड. सो इसको भी छोड़ दीजिए, जानने की जरूरत नहीं है. ये जानिए कि हर क्वांटम डॉट का एक फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी होता है. ओके, इट शोज वेरी गुड फ्लोरेसेंस लाइट, देयर इज एक्साइटेशन एंड एमिशन, बट व्हेन वी ऐड एंजाइम देयर इज नो चेंज, बट इफ वी ऐड एंजाइम एंड न्यूरोट्रांसमीटर सो देयर इज अ चेंज. ये देखिए, तो केमिस्ट्री इज वेरी सिंपल दैट वी विल इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट ड्रग्स and monitor that inhibition capacity. And by monitoring this inhibition capacity, we are able to, yes, my drug is very good for the Alzheimer's disease. So I will not discuss the other factors, because agar research itna aasan ho jata, to hum log sab log kar lete hain. There are certain factors, some optimum condition, pH plays an important role, enzyme plays an important role. So we have to optimize all those concentrations. All those concentration, कितना pH होना चाहिए, कितना उसकी concentration होना चाहिए, कितनी neurotransmitter की concentration होती है, then first we, और ये एक, ये जो मैं अभी आपको आधा घंटा का काम बता रहा हूँ, इसमें दो स्टूडेंट का PhD हुआ, दो टू स्टूडेंट्स, मैंने आपको नाम लिया ना, Sisti Sharma and other things, and then we quantum yield is also important. अगर कोई physics के student हैं या कोई chemistry का physical chemist है, तो they can understand the quantum yield. अपने BSc में पढ़ते हैं ना, हाई क्वांटम यील्ड, लो क्वांटम यील्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ टू कैलकुलेट द क्वांटम यील्ड, दीज आर ऑल वेरी रूटीन वर्क. एंड ये ग्राफ को भी मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि समय कम है. एंड अल्टीमेटली आप देखिए कि मैं तो ये नहीं बोलता हूँ कि माई सिस्टम इज वेरी गुड, बट रिसर्च इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस. आप ये नहीं बोल सकते कि वट वी आर डूइंग इज द बेस्ट. एंड यू सी दैट in tacrin the percentage inhibition is 60% and donepezil is 16.74%, but our compound is 2% or 8% like that. So my last conclusion is that ki aaj ki tarikh mein hum logo ko hamesha multidisciplinary research karna chahiye. आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बायोलॉजी का हूँ, कि मैं केमिस्ट्री का हूँ, कि मैं बॉटनी का हूँ, कि मैं मटेरियल साइंस का हूँ. और दूसरा, हमको ये सोचना चाहिए कि जो हम रिसर्च कर रहे हैं, भले हम छोटा सा रिसर्च हम कर रहे हैं, इट शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द सोसाइटल प्रॉब्लम, बिकॉज अल्जाइमर डिजीज इज ए ग्लोबल प्रॉब्लम एंड विदाउट बायोलॉजी, विदाउट नोइंग द मटेरियल साइंस,
वी कांट डू एनीथिंग. सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू दिस कॉलेज फॉर गिविंग. मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ. मतलब आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई डीप सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड टू अगेन दिस कॉलेज अथॉरिटी फॉर गिविंग मी. और सबसे बड़ी बात है कि इन शरद कुमार वाजपेयी साहब के श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके मेमोरी में पहला कॉमेमोरेशन लेक्चर सुनने का मौका मिला. और उससे भी ज़्यादा आपको, ठीक है मैं तो साइंटिफिक लेक्चर दिया, लेकिन जो जो आपने महान विभूतियों का, प्रोफेसर एडीएन वाजपेयी इज ए वेरी 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 रिनाउंड इकोनॉमिस्ट, पोएट, गुड एडमिनिस्ट्रेटर, एक विश्वविद्यालय के कुलगुरु, उन्होंने जो वाजपेयी साहब के बारे में जो बताया, प्रोफेसर ललित प्रकाश पटेरिया जो आपके यूनिवर्सिटी के जो एफिलेटेड यूनिवर्सिटी है शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी, उनके बारे में सुना, मैडम किरण वाजपेयी जिन्होंने 30-40 साल उनके साथ उन्होंने बताया, अगर हम आज की सच्ची श्रद्धांजलि तभी देंगे जब हम एक दो और ट्रांसपेरेंसी है, तभी सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगा जब वी फॉलो हिज जो उन्होंने बोल के गए हैं उसको अगर हम सुनेंगे. क्योंकि अरे अभी ख़त्म नहीं हुआ, लास्ट में मैं थैंक्स दूंगा ना हमारे डिपार्टमेंट का, लास्ट में चले आइए. अच्छा मैं कर देता हूँ. और देखिए जी अभी जो आप देखिए इस प्रोग्राम को आप लोग सीरियसली ले चाहे ना ले, आपके प्रिंसिपल साहब जो है अमेरिका में बैठे हुए हैं डॉक्टर गुप्ता साहब, और अभी वहाँ पे 4 बजा होगा, रात 3 बजे से अभी चार या मेरा भी लड़का है अमेरिका में, 5 बजे 5 बजा है अभी, 5 AM और 3 बजे से सर बैठे हैं, मतलब 12 बजे से प्रोग्राम, 3 बजे से सर अमेरिका में बैठे हुए. सो दी टेनासिटी एंड द लव फॉर दी वाजपेयी एंड दैट बंसीधर दीवान इज माय गुड फ्रेंड, ही इज फ्रॉम आई थिंक रायगढ़ और चांपा में कहीं पे है. बंसीधर दीवान साहब भी वो सवेरे से, और मैं उसी यूनिवर्सिटी से, मैं भी जहाँ से MSc किया हूँ, दीवान साहब भी वहाँ से MSc किया है, और एक ग्रेट साइंटिस्ट के साथ उन्होंने PhD किया जिसका नाम था GL मुंद्रा. तो ये एक ऐसा मौका होता है जिसमें कि हम लोग, आशीष तिवारी जो एक यहाँ बैठा हुआ था ना पामगढ़ गवर्नमेंट कॉलेज के टीचर, आप सोचिए जब वो MSc फाइनल में पढ़ता था फिजिकल केमिस्ट्री, मैं उसका एग्जामिनर था, एंड दैट टाइम आई डो नॉट नो दैट आशीष तिवारी, बट आई फिजिकल केमिस्ट्री का परीक्षा था फाइनल का, मैं शायद वो SBR कॉलेज में था, तो आई वॉज वंडर टू सी हिज वाइवा. उस समय से हमको लगा था ये लड़का बहुत अच्छा, तो ये हमको ये मौका मिला बोलने का. और ये मैं लास्ट में मेरे डिपार्टमेंट को मैं जरूर धन्यवाद देना चाहूँगा कि और हमारे बंद हो गया क्या मैं ट्रांसपेरेंसी का, हाँ नहीं नहीं दिख रहा है ना हमारा ट्रांसपेरेंसी का, नेक्स्ट ट्रांसपेरेंसी, लास्ट स्लाइड मैं चला आता हूँ. हाँ मैं ले आता हूँ, लास्ट में चले आता हूँ, समय के कारण मैं आपको बस, मैं मेरा मोटिवेशनल ये था कि अगर आप लोग इस प्रोग्राम को लास्ट में मैं आ जाता हूँ, थोड़ा सा भी अगर 1% भी आपने सीखा और उनके उन्होंने जो बोला जो उन्होंने काम किया उसको अगर हम सुनेंगे, और इसको सस्टेनेबिलिटी जो आपको मालूम है कि जो दिस ईयर इंडियन साइंस कांग्रेस का जो थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट वुमेन, महिलाओं के वुमेन, और जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने जो डिक्लेयर किया इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ बेसिक साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये मैं बधाई दूंगा बार बार इस कॉलेज को, इसलिए मैं बधाई दे रहा हूँ क्योंकि मैं तो इतने साल से यहाँ पे हूँ, यहाँ प्रोफेसर टंडन साहब भी हुए, प्रोफेसर VK गुप्ता भी, प्रोफेसर RK मिश्रा, किसी के में हम लोग कॉमेमोरेशन लेक्चर कभी नहीं किए, तो ये बहुत ही एक मैडम को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और इस कॉलेज को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक बहुत अच्छी शुरुआत किया इस बहाने में. और मैं चाहूँगा कि आसपास के कॉलेजों को भी उसमें शामिल करिए, और इट शुड एक्ट एज ए कॉन्फ्रेंस. उसमें क्या होता है, जैसा अभी केवल इस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट लोग बैठे हुए हैं, उसमें भी सोशल साइंस का जिनका कोई मतलब नहीं है या कुछ BEd के लोग बैठे हुए हैं, ज़बरदस्ती आप लोग बैठ गए, लेकिन अगर ये कॉन्फ्रेंस होता, बिकॉज बिलासपुर से भी कुछ आ जाते कुछ वन डे, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि इन फ्यूचर में कॉमेमोरेशन लेक्चर रहेगा,
लेकिन आप प्लीज इसको वन डे सेमिनार करिए सो दैट द अदर स्टूडेंट्स ऑफ बिलासपुर और रायगढ़ और नासिक यूनिवर्सिटी दे मस्ट जॉइन. So lastly, I am really grateful to my department and you see my department is DSTSP sponsored department. My department is UGC SAP DRS department. You see combination. जो हमें सबको एक principal साहब ने जाते हैं यहाँ सबको जोड़ के रखा था और एक अच्छे बार 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 आप मेरे लेक्चर बहुत लोग सुने होंगे पहले भी आप अच्छे इंसान. जब मैं बायोडाटा मेरे को वाजपेयी साहब ने ढूंढने की कोशिश की तो मैं सबसे पहले संतोष ठाकुर मेरे जो स्टूडेंट हैं उनको मैं फोन किया तो सबसे पहला वर्ड अरे प्रोफेसर मतलब यू टेल मी दी सम फैक्ट्स ऑफ दी वाजपेयी साहब. बोले सर एक चीज है इज ए वंडर गुड गुड ह्यूमन बहुत जो लोग बंगला में जिसको बोलते हैं और हमें आशीर्वाद करें कि हम उनके जो बोले ह्यूमन साइकोलॉजी है पैशन फॉर द कॉलेज पैशन फॉर दिस सब्जेक्ट. और जो मैडम ने जो बताया कि ईमानदारी से छोटा सा काम करें आई डू व्हाटएवर आई डू समवर डू विद डिवोशन एंड टेनासिटी करुणा डिसिप्लिन जो अभी आपके कुलपति महोदय ने बताया तो रियली आई एम रियली ग्रेटफुल. थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस. थैंक यू वेरी मच सर व्हाट अ वंडरफुल टॉक सर. थैंक यू प्रोफेसर घोष for a wonderful talk and you have very nicely elaborated how the material sciences and the biological sciences they are closely linked with the chemical sciences. Alzheimer disease ka jo hum log sunte hain zyada tar sabhi ko thodi na thodi ho jati hai old age mein uske liye jo aapne karyakari ek enzyme bataya acetylcholinesterase उसकी कंसंट्रेशन को किस प्रकार से हम डिक्रीज कर सकते हैं केमिकल लेवल पे आप लोग स्ट्रक्चरली बताएंगे. हाँ तो नॉन टॉक्सिक ड्रग से किस प्रकार से एंजाइम को कम करके हम लोग कैसे उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और इसके और विस्तार में डॉक्टर साहब हम आपको इनवाइट करेंगे. मैं आपके संज्ञान के लिए बता दूं कि हम लोगों ने सभी विभागों में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में इनविटेशन दिए थे. शायद वर्किंग डे है तो लोग बहुत ज्यादा नहीं जुड़ पाए और जो आपका सजेशन है कि हम लोग इस तरह के लेक्चर को वन डे लेक्चर पूरा करके एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के रूप में इसका स्वरूप रख लेंगे और आगे हम आपके सजेशन को जी जी हाँ जी अभी भी यहाँ पे पीजी के हमारे केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स और साइंस के स्टूडेंट्स हैं अभी भी हम लोगों ने जोड़ा है ये सब केमिस्ट्री के अंदर और इस तरह और साइंस के विद्यार्थी भी हैं. बीएड बट गुड बीएड जो शिक्षक है देश के निर्माता है तो आपको ठीक है आपको हो सकता है एंजाइम नहीं समझ में आया होगा लेकिन इसमें बीएड में भी लेकिन आपको ये तो मिला कि इंस्पिरेशन कैसा होता है रिसर्च किस तरह से करना है और रिसर्च को इनोवेटिव आइडियाज कैसे होता है. तो क्योंकि बीएड जो है वो हमारे भाग्य निर्माता ही है ना आप लोग तो स्कूल में जाते हैं सबसे पहले काम और आपको जान के खुशी होगा कि हमारे यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट में भी हम लोग स्कूल को जोड़ते हैं जिसको इंस्पायर प्रोग्राम बोलते हैं स्कूल के बच्चों को हम लोग लाते हैं और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये है. अब आपको ये नहीं होगा कि बीए है कि बीएससी है कि बीकॉम है कि व्हाटएवर तो इसलिए ठीक है केमिस्ट्री के केवल 10-12 लोग ही हैं लेकिन बीएड का है तो मुझे लग गया है कि आप लोग बीएड के हैं ज्यादातर क्योंकि बीएड के बहुत ओबीडियंट डिसिप्लिन 12 बजे से आप लोग बैठे हैं 11 बजे से लेकर 4 बजने का समय हो रहा है
तो मैं करूंगा कि अगले बार से आप लोग 10 बजे इसको शुरू करिए और इनॉग्रेशन को अलग रखिए, इनॉग्रेशन के बाद ये साइंटिफिक लेक्चर, ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच सर। दीवान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीडी दीवान सर, मैं उनका भी हृदय से बहुत अभिनंदन करती हूँ और उनका आभार प्रकट करती हूँ। वो डीन साइंस फैकल्टी हैं इस यूनिवर्सिटी के, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अगली कड़ी में मैं आभार प्रदर्शन हेतु डॉक्टर बी के गुप्ता को हैंड ओवर करती हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। सबसे पहले तो मैं इस डॉक्टर शरद वाजपेयी स्मृति व्याख्यान के मुख्य वक्ता प्रोफेसर कल्लोल घोष जी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने अत्यंत सरल सहज शब्दों में एक बहुत ही आधुनिक जो शोध का क्षेत्र रसायन विज्ञान का है, इंटरफेस बिटवीन द केमिस्ट्री एंड मटेरियल साइंस, इस विषय से हम सबको अवगत कराया और एक बृहद दृष्टि हम सबको प्रदान की कि हम सब के सारे प्रयास मानव सेवा की ओर इंगित हैं और निश्चित रूप से हम इसका आयाम बड़ा करने के लिए जो है आसपास के जो भी शैक्षणिक संस्थान हैं, जो संभावित क्षेत्र के लोग हैं, उन सब को इसमें जोड़ने की चेष्टा करेंगे और एक बड़े पैमाने पर इस स्मृति व्याख्यान का आयोजन करेंगे। आपकी उपस्थिति बहुत ही प्रेरणादायक और स्नेहपूर्ण ढंग से आपने हम सबको इनलाइटन किया। महाविद्यालय परिवार बहुत आभारी है और आपने हमारे लिए बहुत अच्छी बातें कहीं और आपके विभाग में जो सुविधाएं हैं, मुझे उम्मीद है कि हमारे MSc के छात्र और जो महाविद्यालय के शोध छात्र हैं वो निश्चित रूप से पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय में जो सुविधाएं उपलब्ध हैं वहां पर जा करके उनका लाभ ले सकेंगे और वहां के जो सम्मानित प्राध्यापक हैं उनका मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। बहुत आभार सर। मैं IQAC को और रसायन विज्ञान परिषद को आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा ये व्याख्यान आयोजित किया और विनम्र आभार चैतन्य महाविद्यालय परिवार की ओर से प्रोफेसर कल्लोल घोष के लिए। अगर मैं आपसे कहूँ हाउ वी वुड लाइक टू बी रिमेम्बर्ड, या फिर हम कभी ये सोचें कि हम लोग कैसे स्मरण किए जाना पसंद करेंगे, what kind of legacy we are going to leave behind, तो मैं कहूँगा कि आज हमारे जो सम्मानीय अतिथि ऑनरेबल डिग्नेटरी जो डायस में बैठे थे और ऑफ डायस थे, दे आर रिप्रेजेंटिंग ए ग्रेट लीगेसी टू शरद वाजपेयी से जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े थे वो इतने स्नेहपूर्वक दूर दूर से आए हैं, उनके शोध छात्र हैं, उनके मित्र हैं और उनके सहयोगी हैं। विशेष रूप से मैं मुझे डॉक्टर हर्षा शर्मा, डॉक्टर विभा गोयल मैडम और मनीष जी और डॉक्टर शरद वाजपेयी के एक विशेष मित्र, अभिन्न मित्र श्री प्रभात पांडे जी जो ऑनलाइन हमसे जुड़े थे, वो अस्वस्थ होने के कारण से उपस्थित नहीं हो सके लेकिन हम सब उनके स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हैं। अनेक छात्र जिनके नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, मैं उनके प्रति भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर वाजपेयी से एक लंबा संबंध रहा। भारतीय दर्शन में वर्णित है कि जीव का जो चैतन्य स्वरूप है वो हमेशा हमारे साथ में रहता है और मुझे दो बातें डॉक्टर वाजपेयी के चरित्र में बहुत अच्छी लगी। He was lover of excellence all the time. He used to look for the excellence. और उन्होंने इस महाविद्यालय को एक नई अकादमिक गरिमा प्रदान की। और दूसरी उनकी खास बात जो डॉक्टर कल्लोल घोष ने बताई, he was the finest human being, उत्कृष्ट मानवीय गुणों से सुसज्जित एक व्यक्तित्व के रूप में हम डॉक्टर वाजपेयी को जानते हैं। और डॉक्टर वाजपेयी
इमर्सन की एक कविता की पंक्तियां मैंने दो दिन पहले हिंदी में ट्रांसलेट किया था, अगर आप अनुमति दें तो डॉक्टर घोष में पढ़ना चाहता हूं डॉक्टर वाजपेयी के लिए। सदा हंसना और मुस्कुराना, बुद्धिमान लोगों से पाना सम्मान और बच्चों से प्यार, ईमानदार आलोचकों से प्रशंसा और विश्वासघाती मित्रों को क्षमा करना, सुंदरता की प्रशंसा करना, दूसरों में खूबियां तलाशना, स्वस्थ बच्चे की तरह दुनिया को छोड़कर जाना, छोटे से बगीचे या सामाजिक परिवर्तन की तरह, ये एहसास कि आपके यहाँ होने से किसी एक का जीवन आसान हो गया है, इसका मतलब सफल हो गए हैं आप। चेतन, ये स्मृति व्याख्यान का लक्ष्य यह है कि हम इस महाविद्यालय में विद्यार्थियों को एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तो प्रदान करना ही चाहते हैं और उनको संस्कारित करने के उद्देश्य से इस प्रकार की गतिविधियां आयोजित करते हैं ताकि उनके चिंतन और उनकी सृजनात्मक और जो शोध के प्रति अभिलाषा है नए आयाम की वो से दीक्षित हो सकें, यही हमारा उद्देश्य है। मैं सम्मानीय अतिथियों के प्रति, प्रोफेसर दीवान के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और जो दूर दूर से प्रतिभागी जुड़े हैं, आप सुबह से हम सब से जुड़े हैं, विलम्ब हुआ इसके लिए आप क्षमा करेंगे, लेकिन अगली बार ये आयोजन और परिष्कृत रूप से होगा जैसा कि मार्गदर्शन हमें मिला है। और इस आयोजन में मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ चैतन्य शिक्षण समिति के माननीय अध्यक्ष श्री वीरेंद्र तिवारी जी, डॉक्टर गरिमा तिवारी मैडम, और इस कार्यक्रम के संयोजन में विशेष सहायता दिया, विशेष सक्रियता से, बहुत ही आत्मीयता से ये कार्यक्रम आयोजित किया, डॉक्टर श्रीमती वीना पानी दुबे, श्री नरेंद्र गुड़िया जी, धनेश जी, और सबसे ज़्यादा आशीर्वाद हमें प्राप्त था डॉक्टर किरण वाजपेयी मैडम का, इनकी प्रेरणा से हम लोग ये कार्यक्रम आयोजित कर सके। आपकी उपस्थिति हम सबके लिए बहुत ही प्रेरणादायक थी और जो बच्चे सुबह से यहाँ बैठे हैं और आपने देखा कि कितनी क्षमता है। वाजपेयी जी के पास जब हम जाते थे, हमारा कोई भी प्रॉब्लम होता तो मैं उनसे कहता था राम रसायन तुम्हारे पासा, ऐसे करके कुछ मजाक की बातें होती थी, लेकिन बात सही है, सब कुछ जो है इंटरफेस में है, रसायन और मटेरियल साइंस के इंटरफेस के बीच में ही जीवन है। तो हम सब इससे सीखेंगे। मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूँ और आपने मुझे धन्यवाद ज्ञापित करने का अवसर दिया। मैं पुनः महाविद्यालय के सभी सम्मानित सदस्यों के प्रति, रसायन शास्त्र विभाग के लिए और IQAC के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। महाविद्यालय परिवार की ओर से विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ डॉक्टर वीणा पानी दुबे मैडम का, जिन्होंने पूरी सक्रियता से और पूरी सजगता से और स्नेह से और भावनाओं से ओतप्रोत इस कार्यक्रम का आयोजन किया। तो मैं चाहूंगी मैडम के लिए एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू। और साथ साथ हमारे प्राचार्य महोदय, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कार्यक्रम में लगातार विलंब होता रहा और समय हम सबको आइडिया है कि इस वक्त वहाँ काफी रात होगी और लगभग आपको पूरी रात ही हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े रहना पड़ा, कुछ तकनीकी कारणों से और कुछ विलंब की वजह से। तो सर आपको प्रणाम करते हैं और थैंक यू सो मच। बताया, और मैं उन सभी यहाँ के मोस्ट इम्पोर्टेंट सारे प्राध्यापक